मैंने 105 आदमी का इंटरव्यू किया एग्जैक्टली exactly. तो लालू जी के प्रथम नेता कोई और होंगे व्यक्तिगत लाइफ में लेकिन एक इमेजनरी जो नेता थे वो लोहा सिंह थे कि गांव में बोलते थे कि वीडियो आया हुआ है वीडियो को बहुत बड़ा समझते थे कि तो बड़का तुम वीडियो हो इस तरह से तो डीएम को बुला के कहते डर आओ ये जो है ना तुम लोगों का तुम मालिक हो तुम्हारा नौकर है और डीएम ऐसे करके खड़ा है तो जो ऑप्टिक्स क्रिएट किया ना सोशल इंपावरमेंट का भले ही वो थोड़ी देर के लिए था लेकिन बहुत ही पावरफुल ऑप्टिक्स था hmm. और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है जब चेतना रैली होती है ये लालू प्रसाद हैं जो भेजते हैं उनको लास्ट मोमेंट में नीतीश कुमार जाते हैं ये बोले कि सतीश कुमार नेता बन जाएगा तुम नहीं जाओगे तो लालू प्रसाद भेजते हैं कि तुम्हारा पूरा मंच ले लेगा कि बिहार ही वो धरती है

बटेर लग जाती है राजनीतिक के बतावे। क्या हुआ था उसमें देखिए पहला जो आइडिया था ना पटना में गिरफ्तार करने का था लेकिन फिर भी जब लालू जी से मैंने ये सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि सब सब सवाल आपको सब चीज का जवाब हम दे ही दें आपको या सब, सब किताबें में लिखने के लिए होता है ये सत्य है कि सीतामढ़ी में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को तमाशा चढ़ दिया वो तमाशे में कितनी गूंज थी तमाशे की और मैं नहीं कह सकता लेकिन वो उसकी जो राजनीतिक गूंज थी वो बहुत बड़ी थी ये ये भी अनादर ऑप्टिक्स था कि देखो मैं इतना सख्त हो सकता हूँ वैसे ही ये जिक्र भी आता है कि लालू का उत्तराधिकारी कौन होगा कई नाम चल रहे थे और फिर अचानक से राबड़ी का नाम आता है इसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी फातमी समेत कई लोग अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं आपको क्या जानकारी इसकी जानकारी ये थी कि लालू जी को कुछ करना होता था तो स्क्रिप्ट पहले बना लेते थे और उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करवाते थे ये एनडीए की बैठक हो रही है अटल जी कहते हैं कि पासवान जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए पासवान जी अपने आप को पीछे कर लेते हैं और नीतीश की राह खुलती है खुली मीटिंग में हमको अटल अटल जी ने कहा कि पासवान जी आप बिहार जाइए या देखिए तो मैंने कहा कि मुझे पाँच मिनट समय दीजिए मैं मीटिंग से बाहर आता हूँ किसी से बात करता हूँ फिर मैं कहता हूँ कि नहीं सर मुझे जो है नेशन की पॉलिटिक्स करनी है तो नीतीश कुमार जो बनते हैं नीतीश कुमार के नहीं बनने के बाद जो उनकी खुशी है पासवान जी की वो भी जबरदस्त है बताने लायक कि वो गाड़ी में बैठते हैं नीतीश कुमार जब नंबर पूरा नहीं कर पाते हैं और उसके बाद पंच करते हैं ऐसे करके हाथ गाड़ी के अंदर से कि बहुत बड़ा चला था मुख्यमंत्री बनने के के लिए नरेंद्र मोदी और साधु यादव बीच क्या बातचीत हुई इस तरह साधु जी ने खुल के तो नहीं बताया लेकिन इतना जरूर इंगित किया कि भाई वहां हम गए तो एक मैं को पोलिटिकल बार्गेनिंग का पता तो चला कि मेरी पोलिटिकल बार्गेनिंग क्या हो सकती है आज जो तेज प्रताप जो बगावती तेवर अपनाए हुए हैं लालू जी क्यों उनको नर्स किए हुए हैं की भाई शांत रोको गले इसको अगर शांत नहीं रखोगे हो सकता है कि कल को अगर बीजेपी ज्वाइन कर ली तो तो बहुत होगा ना क्या आपको लगता है कि नीतीश के गले में कुछ अटक गया है गले में क्या फंसा है गले में आपको राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा बस फसी है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बड़ा दिलचस्प है लालू वर्ष नीतीश की खूब बात होती है नीतीश वर्सेस जॉर्ज फर्नांडिस आप तो मिले थे, थे उनसे उनके आखिरी चुनाव में हाँ हां 2009 मुजफ्फरपुर एक एकदम एकदम वो बोल नहीं पाते थे बहुत मुश्किल से तो मैंने उनको पूछा था कि आपको क्या प्रूव करना है आपने तो हथकड़ी लगा के जेल के अंदर से जीत लिया था दो यू टर्न हैं जिनकी खूब चर्चा होती है 2017 का और फिर 2022 का हां क्या हुआ अंदरखाने सरत जी सरज आदम ने हमको बहुत बात ये दो-तीन बार ये बातें ये बात कही कि एक जगह नीतीश कुमार लंबे समय तक नहीं टिकता है तुम बांध के ले लो क्या नितिन गडकरी ने नीतीश कुमार को यह आश्वासन दिया था कि 2014 में कोई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे क्या नरेंद्र मोदी की इज़्ज़त के साथ आत्मसम्मान के साथ नीतीश कुमार जो खिलवाड़ करना चाह रहे थे राष्ट्रीय परिषद के भोज के दौरान कि गुजरात के मुख्यमंत्री ना आए तो मुझे भोज की मेज़बानी से कोई एतराज़ नहीं और तब सुषमा स्वराज ने वो रवैया अपनाया कि जाएंगे तो सब जाएंगे शर्तों के साथ न्योता नहीं आता क्या वाकई लालू प्रसाद यादव के घर की शादी के दौरान पटना में कुछ ऐसा हुआ था कि तमाम मोटर कंपनियों को अपने दफ्तरों का बोरिया बिस्तर बंद करना पड़ा था ख़ुद लालू प्रसाद यादव के तब प्रिय और अब नाराज सालों ने क्या कहा था और शहाबुद्दीन के खौफ से किस पत्रकार को 38 कार्बाइन लादे हुए दो अंगरक्षकों के साथ पत्रकारिता करने के लिए मैदान में जाना होता था बात राबड़ी देवी तक पहुंची तो फिर क्या निर्देश और आश्वासन आया फ़ोन पर ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जिनकी ज़मीन है बिहार और इन सब कहानियों से हमारा परिचय हुआ क्योंकि ये किताब रची गई पहले अंग्रेज़ी में और फिर हिंदी में बिहार कितना राज कितना काज इसे लिखा है इंडियन एक्सप्रेस अखबार में असिस्टेंट एडिटर और नेता नगरी में जिनसे आप कई बार मुखातिब हो चुके हैं ऐसे संतोष सिंह ने अनुवाद किया है कल्पना शर्मा ने इसे प्रकाशित किया है वाणी प्रकाशन ने और कीमत है इसकी चार सौ रुपए बिहार की एक मुकम्मल तस्वीर सदाकत आश्रम से बीरचंद पटेल मार्ग जिस तरह से राजनीति मूर्ति है सदाकत आश्रम कांग्रेस का दफ्तर अब भी वही है और एक समय था जब उत्तर भारत के तमाम राज्यों की तरह बिहार में भी इसी पार्टी की तूती बोला करती थी लेकिन जमाना बीत गया अब उसके बारे में जिक्र भूतकाल में होता है और जो वर्तमान है वो भाई वीरचंद पटेल मार्ग की तरफ चला गया जहां पर राष्ट्रीय जनता दल जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर हैं दफ्तर हैं तो सरगर्मियां हैं सरगर्मियां हैं तो साजिशें और सुगबुगाट भी हैं क्योंकि बिहार क्या तय करता है इससे भी देश का मिजाज तय होता है वरना क्या जरूरत थी नरेंद्र मोदी को जो 27 अक्टूबर 2013 को पटना में बॉम्ब ब्लास्ट और पुलिस के अमले की चेतावनी की आप रैली में ना जाएं तो ये अच्छा है कि बावजूद वो गए और अपनी प्रचलित टोन से इतर उन्होंने एक बड़ा आह्वान देश के मुस्लिम समाज से किया कि आपको ये तय करना है गरीब मुस्लिमों को ये तय करना है कि उन्हें गरीबी से लड़ना है या गरीब हिंदुओं से लड़ना है दस बरस बीतने को आए कितने पॉलिटिकल नैरेटिव बदले किसी को मन से माफ़ नहीं किया गया और किसी को बयानों के लिए मुक्त छोड़ दिया गया और नीतीश कुमार उनकी सियासत ने तो इतने रंग बदले हैं कि अब व्याख्याकारों को भी संदर्भों का पुलिंदा लेकर बैठना पड़े जीवनी और टिप्पणियों से पहले तेजस्वी यादव एक मजबूत नेता बनकर उभरे लेकिन एक अड़े मार्ग का उनके परिवार का इंतजार अभी बरकरार है उधर चिराग पासवान है जो अपने ही परिवार के घात से परेशान है हालांकि राहुल गांधी की तरह उन्हें भी लगता है एज इज ऑन माई साइड इन सबसे तरह एक चुनावी रणनीतिकार है जो 2014 और 2015 में नायकों के पीछे मुस्कुराता नजर आ रहा था जिसे अखबारों में रणनीतिकार का तमगा दिया जा रहा था लेकिन अब वो अपनी नीति हासिल करने के लिए गांव-गांव भटक रहा है ये बिहार की जमीन है और इस जमीन पर विस्तार से बात करने के लिए संतोष जी किताब वाला के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सौरभ मच अवेटेड मच अवेटेड पर यह बताइए कि आपके लिए इस किताब को लिखने का प्रोसेस कितना लंबा रहा क्योंकि जिस तरीके के आपने विस्तृत संदर्भ दिए हैं लालू का लोहा से ये चैप्टर शुरू होता है लालू जी किस तरह से ऑल इंडिया रेडियो पर आने वाले एक किरदार की नकल करते हैं गाँव में मशहूर होते हैं वेटनरी कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी और उनकी जो पॉलिटिक्स चलती है और उसको आप एक, एक विस्तृत संदर्भ देते हुए चलते हैं कर्पूरी ठाकुर की राजनीति सोशलिस्ट राजनीति इन सब के बीच रामविलास पासवान का अपना एक धीमी गति से उभार हो रहा था अनूप लाल यादव एक बड़े नेता थे विपक्षी खेमे के कर्पूरी ठाकुर के बाद और इन सब के बीच लालू का उभार होता है और वहाँ से कहानी जो शुरू होती है तो वो अभी प्रशांत किशोर चिराग तेजस्वी नीतीश संजय पासवान सम्राट चौधरी और जो अभी के मंच पर किरदार दिख रहे हैं उन तक आती है ये कितनी लंबी प्रक्रिया थी और कैसे कैसे ये हुआ देखिए सौर अब मैं बिहार का हूँ लेकिन मैंने पत्रकारिता शुरू की दिल्ली से तो दिल्ली से जब शुरू की तो उसके बाद मैं 2003 में भोपाल चला गया तो मैं मैं भी एक आउटसाइडर की तरह बिहार को देख रहा था मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानता था मैं लेकिन मैं 2006 में बिहार वापस गया मैं टेलीग्राफ में मैंने ज्वाइन किया तो तब मैंने बिहार को मैं कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार का पूरा राज्य मैंने कवर पूरा राज्य कवर किया लेकिन मेरे लिए भी गैप्स थे लालू प्रसाद मेरे लिए हमेशा भी इंटरेस्टिंग करेक्टर थे उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत थी एक तरफ़ा कहानी उनकी आती रहती थी वही मैं सुनता था तो मुझे भी था तो मैंने जब मुझे 2015 में मुझे लगता है कि ऑफ़र आया ब्रूम से कि कॉल आया कि आपसे एक किताब चाहिए तो मैंने तत्सन कहा उनको कि आपको किताब चाहिए और चुनाव के पहले चाहिए तो उन्होंने कहा हाँ तो मेरे पास वही सात आठ महीने बचते थे लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक किताब चल रही थी मैं काम नहीं कर रहा था तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो मेरे गैप्स थे दो हजार के पहले जो गैप थे लालू जी का पूरा राज का गैप था उसके पहले ऑफकोर्स कर्पूरी ठाकुर से लेकर के पूरा गैप था डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह तक का पूरा गैप था तो उस गैप को फिल करने के लिए तकरीबन मैंने 105 आदमी का इंटरव्यू किया एग्जैक्टली वन जीरो आदमी के इंटरव्यूज हैं उसमें प्राइमरी करेक्टर्स सेकेंडरी करेक्टर्स सब हैं उस टाइम के जर्नलिस्ट हैं उस टाइम के पॉलिटिशियंस हैं लालू प्रसाद नीतीश कुमार रामविलास पासवान सुशील कुमार मोदी टॉप इतने लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं तो मुझे याद है अभी भी मेरी एक बाइक हुआ करती थी वो उसको लेकर हाफ फर्स्ट हाफ़ में मैं जाता था और सबको कहता था कि मुझे डेढ़ घंटे समय चाहिए तो औरल वर्बल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है क्योंकि उस टाइम के दौरान में जो अखबारों में लिखा गया था ऑफ कोर्स उसका संदर्भ है लेकिन मुझे जो वर्बल हिस्ट्री मिली जो ओरल हिस्ट्री मिली वो बहुत रिच मिली वो कहानी मिली तो वो मेरे लिए गैप था और मेरे लिए ये था कि लालू प्रसाद को चारा घोटाला हो गया था तो उससे उसी से जोड़ के लोग देखते थे और उस तरह से अपशब्द का भी इस्तेमाल करते थे तो मुझे लगता था इस आदमी को जानना चाहिए तो मैं जब उनके गांव गया फुलवरिया गया और उनका ससुराल सलार केलान गया गोपालगंज में जब देखा कि उस आदमी का कैसे उदय हुआ होगा तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी कि भाई इतने भाइयों के बीच में अचानक वो निकलता है और चपरासी क्वार्टर दस बाय दस के रूम में वो पहुंचता है और वो स्कूल जाता है एडमिशन कराने के लिए तो वो लोहा सिंह का नाटक उस उसको याद है कि एक खदेण की मदर वो उस डायलॉग से फेमस डायलॉग से स्टार्ट करता है तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग तो वो जो उनका जो फर्स्ट नेता था लालू जी के प्रथम नेता कोई और होंगे व्यक्तिगत लाइफ में लेकिन एक इमेजनरी जो नेता थे वो लोहा सिंह थे तो लोहा सिंह कैसे बोलते थे रेडियो पर उसको लालू पूरी तरह से याद कर लिए थे तो वही कहीं जहां कहीं मौका मिलता था लोहा सिंह तो मुझे लगा कि इसीलिए जो लालू का लोहा है इसमें मैं कल्पना को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये टाइटल उसने दिया है मेरे अनुवादक कल्पना शर्मा ने कि लालू का लोहा नाम दिया तो लोहा सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैक्टर है उनकी लाइफ में और कैसे एक मतलब एक पिछड़े समुदाय से वो आया आदमी वो कॉन्फिडेंस कैसे गेन करता है जो स्कूल पर स्कूल जाता है बोरा लेकर के बैठने वाला बोरा ले स्कूल जाता है वहाँ से जो उसका उदय होता है तो वहाँ लोहा सिंह ने लालू प्रसाद को कॉन्फिडेंस दिया एक लीडरशिप क्वालिटी की तो मुझको लगता है कि एक लीडर का जो जन्म है वो जो चपरासी क्वार्टर्स पहुंचते हैं वहाँ तक गोपालगंज से वहाँ तक आते आते हो गया यहाँ आते हैं तो यहाँ भी उनका मन नहीं लगता है पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है जहाँ नेतागिरी का मौका मिलता है फुटबॉल खेलने के मैदान में वहाँ जाते हैं वहाँ भी नेता बनने की कोशिश करते हैं तो वो लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती गई बाद में उनके सब मित्र बने और उसके बाद आप जानते हैं कथानक में वो जेपी मूवमेंट होता है तो उसके बाद तो वो नेता बन ही जाते हैं जी आप जेपी मूवमेंट का जिक्र कर रहे हैं मुझे जेपी मूवमेंट के एक नायक की बात आपकी किताब के ही हवाले से याद आ रही है तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे और जैसा कि आपने बातचीत में बताया कि आप उन पर एक जीवनी भी तैयार कर रहे हैं मैं जिक्र कर रहा हूँ ठाकुर जन नायक कर्पूरी ठाकुर का उन्नीस का साल है गोरखपुर यूनिवर्सिटी की एक सभा है एक छात्र का सवाल है कर्पूरी ठाकुर से कि 1977 में आप मुख्यमंत्री बने मुंगेरी लाल कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू की पिछड़ों को आरक्षण मिला लेकिन भूमि सुधार आप लागू नहीं कर पाए कर्पूरी ठाकुर का जवाब आता है सात मिनट के सन्नाटे के बाद कि यदि मैं उस कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव लाता तो बैठक से मेरी लाश निकलती एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक ज़रूरी बदलाव के प्रति समाज के ताकतवर संप्रभु वर्ग की

और कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में आप अपनी स्मृति से बताते हैं कि कैसे आप सब लोगों को सड़क पे जुटाया गया और नारा लगवाया गया कर्पूरी कर्पूरा छोड़ छोड़ पकड़, पकड़, पकड़ उस तरह तो ये कर्पूरी ठाकुर के बारे में बताइए क्योंकि इन सब की राजनीति जिनकी हम आज देख रहे हैं उनकी पूर्व का उनके जमाने में रची गई कभी उनको फ्री रन नहीं मिला कि वो चार साल पांच साल गद्दी चला सकें और आराम से काम कर सकें और इन सब के बरक्स जगन्नाथ मिश्र का वो बयान है कि समस्तीपुर से लौटने के बाद उनके भाई ललित नारायण मिश्र ने चंद्रशेखर को कहा था कि इंदिरा गांधी और जेपी की मीटिंग तय करवाओ पर समस्तीपुर में ब्लास्ट होता है वो मारे जाते हैं आज तक ठीक से पता नहीं उसके पीछे कौन है हज़ारों षड्यंत्र कथाएं चलती हैं और वो मीटिंग नहीं हो पाती है और वहाँ से राजनीति की दिशा भी बदलती है ख़ास तौर पर बिहार के संदर्भ में क्योंकि भले ही मोरबी के मेस से और अहमदाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज से वो आंदोलन शुरू हुआ हो पर उसको मुकम्मल मुकाम मिला था बिहार में कर्पूरी ठाकुर की राजनीति सत्तर का दशक और पिछड़ों की चेतना देखिए कर्पूरी ठाकुर इसीलिए बिहार की राजनीति में सबसे इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मैं मानता हूँ कि उस व्यक्ति को आप टोटल आप जोड़िएगा कितना समय मिला बिहार की राजनीति में भले ही बावन से लेकर के निर्बाध रूप से वो एक तरह से आजाद शत्रु एम एल रहे 85 तक उनके अपनी मृत्यु जीवन पर्यंत तक रहे कभी नहीं हारे एक लोकसभा 1984 का वो हारे दैट वाज द ओनली इलेक्टोरल लॉस फॉर हिम लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस आदमी का था जो आपने जो एक क्लास में एक वर्ग चेतना वाली बात होती है वो आदमी जब 67 में बनते हैं देखिए उनका गुआ है कर्पूरी ठाकुर इज कर्पूरी ठाकुर कि कर्पूरी ठाकुर 67 में जब बनते हैं आप सोशलिस्ट पार्टी को अड़सठ सीट है ज़्यादा सीट है लेकिन आप महामाया प्रसाद सिन्हा को बनाया गया क्योंकि राजा कामाख्या नारायण नहीं चाहते थे कि उनकी पार्टी लेकिन इनको था कि एंटी ये लोहिया का नारा था एंटी कांग्रेसिज्म का एंटी कांग्रेसिज्म के नारे के बाद था कि सबसे पहले कम से कम ये इंश्योर तो कर लो कि एक सरकार बन जाए तो नौ राज्यों में इंक्लूडिंग बिहार वो सरकार बनती है तो कोर्स नाराज होते हैं कर्पूर ठाकुर से कि भाई तुमको एसर्ट करना चाहिए था लेकिन उसमें एक इनसाइड स्टोरी जिसमें मैं नहीं लिख पाया बाद में पता चला किसी ने भूपेंद्र नारायण मंडल का नाम दे दिया था कि वो यहाँ एमपी थे अलोहिया जी के सिद्धांतों के खिलाफ था कि कोई अगर एम है तो वो राज्य में नहीं जाएगा तो उनको लग गया कि वो अगर यहाँ आ जाएंगे सीनियर नेता हैं तो लकीर बड़ी हो जाएगी जो मिलता है ले लो ये अलग कहानी थी जो किस मैं, मैं किताब में नहीं दूसरी किताब में रहेगी उस ऑफकोर्स कहानी रहेगी तो वो जब बनते हैं तो उनका जो सबसे बड़ा लैंडमार्क काम होता है वो एक इंटरेस्टिंग कहानी उसमें ये है जो कि मैं अगली किताब में उसमें अपकोर्स आत्मकथा में उनकी ये बायोग्राफी में जिक्र कर रहा हूँ उनकी कहानी में कि बनने के बाद लोहिया जी से मिलने के लिए दिल्ली आते हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद और वो नाराज़ हैं लोहिया जी नहीं मिलना चाहते हैं वो कहावा उर्मिलेश अपने सेक्रेटरी प्राइवेट सेक्रेटरी से कहावा देते हैं कि बोल दो नहीं मिलेंगे और वो समझ गए नाराज़गी क्या है नाराज़गी उनकी ये थी कि तुमने अभी तक बनने के बाद अंग्रेजी वाला कुछ नहीं किया है अंग्रेजी को हटाओ वो लौटते हैं बिहार बिहार लौटने के बाद वो अंग्रेजी हटाते हैं मैट्रिक में क्लास टेन में मैट्रिक की अनिवार्यता नहीं रहेगी इस चीज़ को खत्म करते इसकी काफी आलोचना हुई लेकिन उनका पक्ष भी चल गया कर्पूरी डिवीजन कर्पूरी डिवीज़न हुआ तब तो ये पास पी डब्लू ई पास विदाउट इंग्लिश ये सर्टिफिकेट पर लिखा रहता था पास विदाउट इंग्लिश और उनके बारे में भी कहा गया जबकि मैंने उनका कर्पूरी कर, ठाकुर का सर्टिफिकेट देखा हुआ है उनको तीन में एक मार्क्स आए थे तब भी उनका नाम कर्पूरी ठाकूरी था कर्पूरी तो बाद में पॉलिटिक्स में हुआ कर्पूरी ठाकूरी लिखा हुआ था के ए पी यू आर ई और और खुद अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते थे वो मैं आप अल अलग से बताऊंगा कि अंग्रेजी एक, एक, एक उसका उसका भी एक अलग संस्मरण है कैसे वो अंग्रेजी बोलते हैं तो इसमें कर्पूर ठाकुर का लॉजिक ये था कि अगर हम अंग्रेजी हटाते हैं तो जो एजुकेशन है वो डेमोक्रेटाइज हो जाएगा उनका मैंने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन उनका मुख्य लक्ष्य था अगर वो नहीं हुआ होता तो जो बाद में ओबीसी बी शेड्यूल कास्ट की जो नई पौध जो पॉलिटिक्स की पॉलिटिशियन की आई जो मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे एक मैट्रिक पास नहीं करना बहुत बड़ा ये एक अभिशाप माना जाता था वर्तवार नहीं आते थे शादी ब्याह के प्रपोजल्स नहीं आते थे तो खास अपर कास्ट में भी नॉट जस्ट किसी में और आप पिछड़ों में तो पूछिए ही मत ये बहुत बड़ी बात थी तो उन्होंने उस चीज़ को तोड़ा आज के बाद के डेट में लालू प्रसाद जी ग्रेजुएट हुए रामविलास पासवान जी ग्रेजुएट हुए और बाद में पढ़े एक जो एक उनके बाद का जो सक्सेडिंग जनरेशन आता है वो इस कदम के कारण आता है और अभी शिकायत लोग करते हैं आज के डेट में भी देखिए बिहार में लागू है अंग्रेजी में पास करना अनिवार्यता नहीं, नहीं है उसको चेंज क्यों नहीं किया तो उस चीज के पाइनियर भी डेमोक्रेटाइज वो उस टर्म का बहुत बड़ा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और एक जमीन पर था कि जो लगान जो जिसमें कि अनएरीगेटेड जमीन है उस पर लगान क्यों लोए तो एक फार्मर के एक बहुत बड़े वर्ग को उन्होंने कैटर किया आपने चर्चा की वो उस प्रश्न का उस प्रश्न पर आऊंगा लैंड रिफॉर्म पर लैंड रिफॉर्म बिहार का ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिस पर कि थोड़ा सा प्रयास श्री बाबू ने किया था श्री बाबू के बाद ऑफकोर्स के सहाय ने किया था जमींदार उन्मूलन के रूप में लेकिन लालू प्रसाद ने उस चीज़ को टच नहीं किया इनके पास नंबर्स नहीं थे मैं मानता हूं ये बहुत ही एक सक्षम मुख्यमंत्री थे बोल्ड मुख्यमंत्री थे जो ले सकते थे लेकिन इनके पास नंबर्स नहीं थे और जो कि रिजर्वेशन भी जो लाया तो तुरंत नहीं लाया सेवेंटी सेवन बनते हैं एक साल इंतजार किया एक साल इंतजार के बाद आया है ऐसा नहीं है कि तुरंत आया बन करके पॉपुलर हो गए तो इनके पास वो नंबर्स नहीं थे तो ये पी एच नीतीश कुमार ने प्रयास किया था डी बंदोपाध्याय कमीशन लाया उसकी रिपोर्ट नहीं आई रिपोर्ट आई तो मैंने भी उनके उनसे सवाल किया था कि आपने लागू क्यों नहीं किया तो तो उन्होंने सवाल को टाल दिया कि नहीं करेंगे तो ये क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि एक नया वर्ग नवियो रिच रिच आ रहा था जिसमें कि ओ के जो नव धनाढ़ पैदा हो रहे थे तो उनको ये नहीं कर सकते थे तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन बिहार के सारे मुख्यमंत्रियों के लिए रहा है उसमें कर्पीर ठाकुर एक्सेप्शन नहीं थे कर्पी ठाकुर के पास सबसे बड़ी कमी थी कि नंबर्स नहीं थे कर्पीर ठाकुर तो कर्पी ठाकुर का मैं इंपॉर्टेंस इसलिए देखता हूं कि अब वो अगले साल सौ साल के अभी जिंदा होते तो सौ साल के होते उनका मैं कहूंगा कि कर्पीर ठाकुर इज रिवॉर्न एट हंड्रेड उनकी पॉलिटिक्स को इस तरह से मतलब द कोटा पॉलिटिक्स को पाइनर किया और उसी पॉलिटिक्स को आप देखिए ये ये देखिए कि लाल कमीशन कांग्रेस समर्थित सरकार भोला पासवान शास्त्री की सरकार में 1971 में कांग्रेस किसका क्रेडिट नहीं ले पाती है उन्होंने कंस्टिट्यूट किया था और इसका और इसका जो रिकमेंडेशन सबमिट हुआ है जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में 1976 में होता है तो उसमें इमरजेंसी चल रही थी जिन कारणों से उन्होंने कुछ नहीं किया ये कर्पूरी ठाकुर को करना था उन्होंने भी एक साल लिया कर्पूरी ठाकुर ने किया और उन्होंने ये सोच के नहीं किया था कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स हो जाएगी उन्होंने सेंस ऑफ एम्पावरमेंट के लिए किया था और ये मैं मानता हूं कि उनकी बिहार की नहीं पूरी कंट्री की पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन था आई थिंक वीच चेंज इट ऑल और उसी उसी चीज़ की उसी पॉलिटिकल कैपिटल की कमाई प्रीमियम ये सब लोग अभी खा रहे हैं उनके जितने भी साइंस सायन, पॉलिटिकल साइंस बिहार की राजनीति को समझने के लिए एक जरूरी कुंजी है सामाजिक न्याय और पिछड़ों का उभार जो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ सीताराम केसरी समेत तमाम नेता अपनी बारी का इंतजार करते रहे कभी सत्य नारायण सिन्हा कभी जगन्नाथ मिश्र कभी चंद्रशेखर सिंह ऐसे ही घूमती रही सत्ता एक और महत्वपूर्ण कुंजी है तब आप कॉलेज में थे उन्नीस का साल था भागलपुर का दंगा हज़ार के करीब लोग मारे गए सल्लन और अंसारी गैंग एक हो गए एस के द्विवेदी जो बाद में डीजीपी बने वो उस समय एसपी थे सत्य नारायण सिन्हा सीएम थे खबरें आई कि राजीव इतने नाराज़ हैं कि वो प्लेन में इंतजार करते रहे मुख्यमंत्री नहीं आए प्रधानमंत्री पहुंच गया था दौरे के लिए और फिर वो खुद प्लेन लेकर भागलपुर पहुंचे बाद में एक दो बरस बाद यात्रा भी निकाली लेकिन कांग्रेस ने तब जो ज़मीन खोई वो आज तक हासिल नहीं हुई झाज ही और भगवत झा आजाद और जो दूसरे नेता थे शिवचंद्र झा उनके भी झगड़े की कहानी भी होती है और भागलपुर दंगों की आज तक उसका रेफरेंस दिया जाता है क्या हुआ था उस दौरान देखिए 1989 का राइट है ना तो मुझको लगता है कि एक राइट है दैट चेंज इंडिया फॉरएवर नॉट जस्ट बिहार पूरे मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स आप देखिए पूरी डाइकोटॉमी उसी समय तैयार होती है 1989 के दंगे से ऐसा नहीं कि भागलपुर दंगे के लिए नया था इसके पहले भी दो दंगे हुए थे एग्जैक्ट ईयर्स मुझे याद नहीं है इंडिपेंडेंस uh, के टाइम में उसके प्रिय और एक आई थिंक सिक्सटीज में भी हुए एक हुआ लेकिन ये कुछ अलग था इसमें डिफरेंट हर जगह डिफरेंट मुस्लिम के पॉकेट्स बटे हुए रहते हैं वहाँ भी बटा हुआ था हुआ लेकिन इस दंगे ने क्या किया कि कांग्रेस ने एक तरह से ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया था कि हमारे पास मुस्लिम है दलित है ब्राह्मीण कॉम्बिनेशन है जो कि जो रे, जो रेप्लीकेशन उनका कंट्री में चल रहा था उससे अड़तीस उनचालीस परसेंट वोट्स आ रहे हैं और वो काफ़ी है हमको जिताने के लिए ये चीज़ें कांग्रेस हमेशा सोचती रही थी कि इस कारण से हम जीत जाएंगे लेकिन भागलपुर दंगे ने क्या किया ना कि पूरा उस जमीन को खिसका दिया और उसी समय से उसके बाद से जब लालू सीन पर आते हैं तो उनको लगता है कि हमारा एक नया मसीहा मिल गया तो एक लॉक स्टॉक एंड बैरल कैसे कैसे वोट शिफ्ट शिफ्ट करता करता है कैसे करता है मास होता हुआ दिखता है और एक पार्टी कुछ नहीं कर पाती है इसका एक नया उदाहरण है भागलपुर की राइट उसने सब कुछ चेंज कर दिया जिस कांग्रेस की मोनोलिथिक स्ट्रक्चर थी नब्बे तक में और एक बार सिर्फ प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी रही उसके बाद एक इलेक्शन के बाद उसके बाद तो बीजेपी आ जाती है प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी के रूप में तो भागपुर और वो जो आप सत्यन्द्र नारायण सिन्हा की बात कर रहे हैं तो उसमें उनके पुत्र निखिल कुमार जो यहाँ के कमिश्नर दिल्ली के कमिश्नर रहे एम भी रहे राज्यपाल भी रहे निखिल तो सिन्हा नि, 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 निखिल निखिल कुमार लिखते हैं निखिल कुमार ने कहा कि एक अलग कहानी कि मेरे बाबू जी वहाँ गए थे लेकिन गाड़ी में रहे निकले नहीं एक दो वर्जन दिया जाता है कि एक एक वर्जन कहते हैं कि वो थे वहाँ लेकिन हमको लिखित रूप से कोई फोटोग्राफ्स मुख्यमंत्री कोई जाए प्राइम मिनिस्टर को कंपनी करे और नहीं दिखे फोटो तो वो मुझे नहीं मिला है तो मैं पता नहीं अपने हिसाब से मैं एज ए पत्रकार के रूप में मैं कन्विंस नहीं हो पाता हूँ गए थे कि नहीं गए थे कोई तो तस्वीर होगी कोई तो साक्ष्य होगा ये उनका पक्ष है वो लेकिन वो वो एक दूसरी बात होगी लेकिन उन्होंने वो एम्बेस इतने हो गए उस सिचुएसन से कि प्राइम मिनिस्टर आते हैं और कैप्टन वहाँ से गायब कर दिया जाता है आई थिंक अब मन्यू सिंह नाम था पायलट को हटा दिया जाता है ये खुद फ्लाई करके भूल जाते हैं कि

और क्या इंसिडेंटली होता है प्लेटर के लिए इक्यानवे में चौवन में से तब झारखंड साथ में था अड़तालीस जीत जाते हैं तो सब चीज़ें लालू प्रसाद के लिए होती गई एक बड़ा नेता बन गए 92 तक आप देखिए कि इन्होंने धीरे धीरे दरकिनार करना शुरू कर दिया शरद यादव के रामविलास पासवान को जॉर्ज फर्नाडिस को इवन 93 तक नीतीश कुमार को भी तो सब चीज़ें लालू प्रसाद के और एक सोशल जस्टिस के रूप में आप मैंने तीन टर्म का इस किताब में इस्तेमाल किया है मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यादवाइजेसन ऑफ पॉलिटिक्स इन दैट ऑर्डर तो ये जो यादवाइसन ऑफ पॉलिटिक्स के फेज तक लालू प्रसाद पहुँचते हैं वहाँ से उनकी राजनीतिक जमीन खिसकनी शुरू हो जाती है जो कि 2005 तक पूरी तरह से खिसक जाती है और उसके बाद ट्राइपोलर पॉलिटिक्स होने होती है उसका बायपोलर जब हो जाती है पॉलिटिक्स नीतीश कुमार इंडी के पार्ट बन जाते हैं तब उनको फाइनली शिकस्त मिलती है दो में आज जब ये सब बता रहे थे तो मुझे वो मीटिंग याद आ रही है बिहार सचिवालय वित्त सचिव मुकुंद प्रसाद हाजीपुर के रहने वाले नेता प्रतिपक्ष लालू प्रसाद यादव जाते हैं और झगड़ा करते हैं क्यों जी हमारा पेट्रोल भत्ता क्यों नहीं क्लियर हो रहा मुकुंद प्रसाद कहते हैं कि देखिए आपका जितना भत्ता है वो पहले ही क्लियर हो चुका है फिर बढ़वा भी देते हैं भत्ते की रकम और एक बड़ी जरूरी बात कहते हैं कि आप नेता को बनाते हैं।, हैं किसी सहायक को भेज दीजिएगा इस पद से उठ के कल को आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं आपको ये सब शोभा नहीं देता लालू मुख्यमंत्री बनते हैं और यही मुक, मुकुंद प्रसाद उनके ब्यूरोक्रेसी के आंख नाक और कान बनते हैं जी। तो लालू यादव की कहानी भी बताइए जो पहला मुख्यमंत्री काल रहा मुकुंद प्रसाद की भी कहानी बताइए क्योंकि जब हम मुकुंद प्रसाद की कहानी कहते हैं तो 1990 से 2005 के बीच सरकार कैसे चली शुरुआत में क्या प्रॉमसिस थे पहले तीन चार पाँच साल में कि वो डेहरी से आ रहे हैं रोहतास के अचानक से गाड़ी रुकवा लेते हैं एक डोम की झोपड़ी है किताब के मुताबिक खटखटाते लेते है, हैं वो पीछे से पूछ रहा है क्या है तो बोल रहे हैं ललुआ लालू यादव और, और में ले लेते हैं गले लग जाते हैं तो इस तरीके के प्रसंग हैं चंद्रशेखर सिंह के जमाने में रहा होगा एक फौरी तौर पर औपचारिक किस्म का जनता दरबार पर लालू जी का जनता दरबार तो बड़ा अलग होता था कि कोई औरत आके शिकायत कर रही था हमारा पति शराब बहुत पीता है तो वहीं सामने चौकी इंचार्ज को फोन लगाना हड़काना तो वो एक बहुत अलग धज थी और उसकी शुरुआत होती है वो पटना में जो जू है और वहाँ पे वो पहली मीटिंग ले रहे हैं अनौपचारिक किस्म की और रूमाल रख के हंस रहे हैं कि ये सब पुलिस वाला हमको ढूंढता रहता था अभी सर सर करता घूम रहा है।, है तो जो आपने बताया कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति की खासियत उसमें एक खासियत जो आपने किताब में भी लिखी देसीकरण मुलायम सिंह यादव भी उससे पहले बन चुके थे मुख्यमंत्री लेकिन जो देसी देसीपन लेके आए सहजता लेकर आए वो बताइए जो शुरुआती चार पांच साल हैं जिसका एक पड़ाव दिखता है सतीश कुमार की बुलाई हुई चेतना आ, कुर्मी चेतना रैली में जिसमें नीतीश तमाम आ, संकोच के बाद जाते हैं और लालू जी कॉर्डलेस में पूछ रहे हैं गया कि नहीं गया कि नहीं देखिए उसमें फर्स्ट टर्म में क्या हुआ ना फर्स्ट टर्म में गवर्नेंस चाहते थे खास करके शुरुआत के एक साल तक डीएन गौतम उस समय एग्जैक्टली exactly किस पद तक मुझे याद नहीं जो डीजीपी होकर के रिटायर हुए उन्होंने मुझको बताया कि एक दिन मुझको बुलाया मैं वॉक करने गया था तो वो एक गाड़ी वाड़ी भेजी कि आपको बुला रहे हैं साहब तो मैं गया तो बोला कि कैसे लॉ ऑर्डर को किया जाए तो उन्होंने बताया कि हम हमारा सजेसन दिया कि अब मैंने कहा कि भाई कैसे कैसे आप इन्वेस्टिगेशन को इसको सेपरेट कीजिए कैसे लोड है पुलिस पर उसको कैसे कम किया जाए वी सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा लोग हैं उसको थोड़ा सा कम किया तीन चार महीने सजेशन दिए बहुत इन्होंने ध्यान से सुना उस चीज को और थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करने की कोशिश की लेकिन बोलते हैं कि अब धीरे धीरे क्या हुआ ना कि इनको जब लगा कि अब लोगों जो इनके आसपास के लोग थे जब वो कास्ट कैलकुलेशन वो धीरे धीरे करने लगे और खा एक साल के अंदर में इक्यानवे की जो जीत हो गई तो उनके दिमाग में ये चला गया कि एम वाई उनके दिमाग में घर करने लगा वहीं से उनको एक सोशल कंबिनेशन नजर आया इस कॉम्बिनेशन पर हम अगर वर्क कर देते हैं तो हमको गवर्नेंस के काम की कोई ज़रूरत नहीं है तो वहाँ से उनका गवर्नेंस मतलब स्लिप होता चला गया लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत खास उसके बाद उन्होंने कुछ उस मीटिंग के बाद से मुझको नहीं लगता है, कोई फॉलोअप मीटिंग बनाई बुलाई और जो जैसा चल रहा था उसी तरह से चला तो पांच बरस लेस हाँ एक चीज और पांच साल के डिस्टिंग था उनका कि तब वो सिर्फ यादवों के नेता नहीं कहलाते थे नहीं। वो गरीब गुरु शब्द का इस्तेमाल करते थे वो पूरी तरह से पिछड़ी जमात, जमात मेरे मेरे मालिकों बोलते थे हाँ, मालिक को के नेता वो अपने एक प्रकरण वो जो नहलाने वाला प्रकरण है बच्चों का भगत सिंह वाला हैट लगा के डंडा डंडा लेके है और बोलते थे कि गांव में बोलते थे कि वीडियो आया हुआ है वीडियो को बहुत बड़ा समझते थे बड़का तुम वीडियो हो इस तरह से तो डीएम को बुला के कहते जो है ना तुम लोगों का तुम मालिक हो तुम्हारा नौकर है और डीएम ऐसे करके खड़ा है तो वहां से रोड पर जो वो कुर्सी सीएम की कुर्सी पर रोड पर ले गए सीएम हाउस से निकाल के बीच रोड पर ला करके लोगों से कन्वर्स करते थे और डीएम है मतलब कोई बड़े पद के अधिकारी हैं वो नहाने के बाद वो लड़कियों का कंघा कर रही है नया कपड़ा पहना रही है तो जो ऑप्टिक्स क्रिएट किया ना सोशल एम्पावरमेंट का भले ही वो थोड़ी देर के लिए था लेकिन बहुत ही पावरफुल ऑप्टिक्स था कि पूरा फब्बारा लेकर के वो गया हुआ है टैंकर आया हुआ है टैंकर से नहाया जा रहा है वाश कर रहा है लोग देख रहे हैं तालियां बजा रहे हैं ये सब तुम्हारा नौकर है तो ये कभी नहीं सुना था कि यार डीएम साहब आए हैं डीएम साहब खड़े हैं इस तरह से जिसको जिस आदमी को वीडियो तक अप्रोच करने में तो उसके बाद लोग बोलते उस समय के पुलिस वाले सब बोलते थे कि पहले जो जो जब जाते थे यादवेशन कैसे शुरू होता है ओबीसी के लोग कि जमीन पर बैठते थे थाने पर जो होती थी तो पहली बार लोग जाकर के जब थाने में जाने लगे उनके टाइम में वो लोग बेंच पर धीरे धीरे कुर्सियाँ पकड़ना शुरू किया तो ये ये जो जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट दिया ये फर्स्ट टर्म में दिया लेकिन सब के लिए दिया ई के लिए भी दिया लेकिन ये सेकेंड टर्म में जब शिफ्ट करता है तब धीरे धीरे यादव्स को मतलब अपनी बिरादरी के लोगों को हो सकता है कुछ ज़्यादा फेवर मिल गया होगा या उनको खुद लगता होगा कि सेंस ऑफ हम जाउद एम्पावर हो गए तब थोड़ा सा जो ओबीसी जो ई है वो हल्का सा एलिनीट होना शुरू किया तो उसी एलिनेशन को बाद में एनडीए ने नीतीश कुमार ने थोड़ा सा वर्क करके उनसे काटा तब इन्होंने कॉम्बिनेशन सेकंड टर्म में किया जो बोले थे कि जिन निकलेगा दूसरी बार जीते पंचानवे में मुस्लिम के साथ कंसोलिडेशन क्योंकि वो वोट तो उनको कोई काट नहीं सकता है तो एम के कॉन्सॉलिडेशन और प्लस सम ओबीसी या दलित वोट मिला करके फिर भी ये अपना बरत हस्त बनाए रखे लेकिन तब तक तो 96 तक तो चारा घोटाला हो गया था ये डिफेम हो गए थे धीरे धीरे राबड़ी देवी आती हैं फिर अब चेन ऑफ मैसेकर्स शुरू हो जाता है तो मतलब वो गवर्नमेंट डेफिसिट शुरू हो जाता है लॉन ऑर्डर काउंट पर इनकी भद पिट जाती है तो फिर से वो ड्रिफ्ट शुरू हो जाता है इसी दौर की बात है कई ऐसी योजनाएँ शुरू हुई जो अगर ठीक से लागू होती उनकी मॉनिटरिंग होती इम्प्लीमेंटेशन की अड़चनों को दूर किया जाता तो बड़े कुकारारी बदलाव ला सकती थी मसलन वो प्रौढ़ शिक्षा की मीटिंग ले रहे हैं और चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट आता है और नवासी के करीब चरवाहा विद्यालय खुलते हैं अब ये बहुत अच्छा विचार है बाद में भले ही इसकी कितनी खिल्ली उड़ाई गई हो कि जो लोग दिन में रोजगार में लगे हैं आप उनकी शिक्षा के लिए क्या सोच रहे हैं साड़ी बांटना और इसके ज़रिए जो मृत प्राय हैंडलूम उद्योग है उसको पुनर्जीवित करना पर किताब में लिखा कि ज़्यादातर चीज़ें शुरुआती शोशेबाजी और ऑप्टिक्स में सिमट कर रह गई थी वो वॉकी टॉकी लेके घूमना कि ये देसी शराब की बू पहचान लेता है जी जी तो एक तरफ तो ये सब चीजें थी दूसरी तरफ जो बहुत सारे सहयोगी थे जो अपने राजनीतिक अभिजात्यपन को लालू प्रसाद यादव पर थोपना चाहते थे उनको बड़ी डेरिंग के साथ किनारे करने का भी काम किया गया जैसे उन्नीस की रैली का आप जिक्र करते हैं सीपीआई के नेता मेरे ख्याल से चतुरानंद मिश्र रहे होंगे ताड़ी को कर मुक्त किया गया लालू प्रसाद यादव एक ताड़ी पीने वाले को बुलाते हैं ऊपर कि तुम बताओ आके और ये चले जाते हैं नाराजगी में कि आपने एक पोलिटिकल रैली को तमाशा बना दिया उसी मंच से लालू कहते हैं कि देखिए साहब इनका दलित का लड़का आया तो ब्राह्मण मंच छोड़ के भाग गया तो ये सब ऑप्टिक्स थी पर उस समय क्या इनको ये इकलौता विनिंग फार्मूला लग रहा था और इन सब के क्रम में नीतीश कुमार और वो सारे जो इनके चीयर लीडर्स थे 85 से 90 के बीच वो कैसे एक एक करके अलग होते गए देखिए ये अचानक जो है ना अब इनका जो उत्कर्ष होता है कि अब लोग बोलते हैं कि कर्पीर ठाकुर के करीबी थे लेकिन मैंने जितना भी शोध किया है तो वन ऑफ द लीडर्स थे कर्पी ठाकुर कुछ इनका इस्तेमाल करते थे लेकिन कर्पी ठाकुर के फेवरेट नहीं थे कर्पी ठाकुर के फेवरेट में से आज जो मतलब मंगनी मंडल थे जो कि अभी जे के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं वो तो एक सेंस में कहीं कहीं ने एक बार एम बने हुए हैं वो करीबी थे नीतीश कुमार भी करीबी नहीं थे बाद में बाद में ये लोग लो आते हैं लालू प्रसाद ने इस चीज़ को एक्सप्लॉयट किया कि हम अनूप लाल मंडल को पहले विनायक मंडल अनूप मंडल और गजेंद्र हिमांशु तीन यादव की टिकड़ी थी उनसे एक जनरेशन ऊपर तो इनको था कि इस जनरेशन को फिनिश करना है अपने जनरेशन तक ले आना है तो

तो मैंने अपने आप में हंसा कि यार ये तो मेरे मेरे कमान हो गया तो फिर वो फोन उठा करते प्रणाम 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 इस तरह से बातचीत शुरू होती है और फिर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ करके ये शुरुआत हुई तो वो बताते हैं कि उस लालू प्रसाद के बारे में कि वो एक ऐसी परिस्थिति थी उसने एक नया एक तरह से कहिए कि एक एक प्रयोग किया एक हसोड़पन एक नन सीरियसनेस को उसी चीज़ को अपना आर्सलन बना करके भीड़ जो था क्राउड पुलर था एक एक्स फैक्टर उसमें शुरू से था उस चीज़ को इनकेश किया जब वो लोगों के साथ वो लगा कि ये चीज़ चल जाएगा उस चीज़ का इस्तेमाल किया और जब फाइनली जब नेता बन जाता है मुख्यमंत्री बन जाता है तो आपका सवाल था कि कैसे कैसे तो आपने बताया ना कि तीन चार घटनाएं गई थी मैंने आपको बताया कि इसमें जिक्र भी किया है कि नाइनटीन नाइनटी नाइन के राइट्स एटी नाइनटीन वन का विक्ट्री उतना जनता दल का वो बाद में प्रेसिडेंट बन जाते हैं वो अलग कहानी है तो ऑल ऑफ ए सडन ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेता इनकी किसी की जरूरत नहीं होती बीपी सिंह की सरकार गिर जाती है फिर वो तो ये ये बिहार में अकेले रह जाते हैं तो इनको किसी की ज़रूरत नहीं तो जितने भी शीर्ष नेता थे उनको लगा कि ये हमारे लिए अपरिहार्य नहीं है जॉर्ज फर्नाडिस अलग होते हैं शरद यादव अलग होते हैं रामविलास पासवान अलग होते हैं इसके बाद ये आदमी बसते हैं नीतीश कुमार बसते हैं जिनको कि मौर्या होटल में अरुण नेहरू से परिचय करवाते कहते हैं कि इनसे मिल लीजिए ये हमारे पर्सनल असिस्टेंट हैं जब कहीं मैं बाहर जाता हूँ तो अंग्रेजी का कोई सवाल होता है तो मैं कहता हूँ मैं इतना ही अंग्रेजी बोलता हूँ कि ही इज माई पर्सनल असिस्टेंट टॉक टू हिम लालू ऐसे नीतीश गजेंद्र हिमांशो के हवाले से कर रहा हूँ मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हूँ गजेंद्र हिमांशु ने मुझे बताया कि ये एक एक मौर्या होटल में आए हैं और अरुण नेहरू से परिचय करवा रहे हैं वो नाइनटीज़ की बात है अर्ली की बात है ऐसे करवाते हैं तो ये लेकिन जब बेरानवे तक आते आते नीतीश कुमार को भी लगता है 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 कि मेरे लिए भी भी स्पेस अब कर रहा है। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जब कुर्मी चेतना रैली होती है ये लालू प्रसाद हैं जो भेजते हैं उनको लास्ट मोमेंट में नीतीश कुमार जाते हैं ये बोले कि सतीश कुमार नेता बन जाएगा तुम नहीं जाओगे तो पूरी मेहनत सतीश कुमार ने की थी और नीतीश कुमार जाते हैं अब वास्तव में नेता बन जाते हैं

तो इसको भेज देते हैं या फिर उनको ये होगा कि ये होने से कम से कम ये जो बगावती मूड है इसका कम हो जाए लालू जी ने और कुछ सोचा होगा लेकिन नीतीश कुमार को लगा होगा कि जाने में बुराई क्या है इनिशियली चूंकि उन्होंने कोई मेहनत नहीं की थी कुर्मी चेतना रैली में के लिए तो थोड़ा सा रेसिस्टेंस हुआ लेकिन बाद में वो नेता ऑफकोर्स इमर्ज कर जाते हैं एक तरह से कहिए कि फर्स्ट प्रोमिनेंट जो कास्ट रैली होती है बिहार में वो कुर्मी चेतना रैली है इस इस हिसाब से भी देखिए इसके पहले कोई कास्ट की रैली नहीं हुई थी <coughs> बाद में भले वो कहते हैं कि भाई हमने कभी कास्ट की पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स मतलब ऊपर ऊपर से नहीं किया लेकिन बिना सामाजिक समीकरण के कास्ट कैलकुलेशन के बिहार में तो कुछ होता नहीं ये आप भी जानते हैं थोड़ी देर पहले हम लोग भागलपुर दंगों का जिक्र कर रहे थे लालू प्रसाद यादव तब से लेके उसके बाद वो सीएम बनते हैं और अब तक जिससे एक घटना का बहुत प्रोमिनेंटली जिक्र करते हैं मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए वो ये है कि हमने आडवाणी जी का रथ रोका उनको गिरफ्तार किया है और कभी राजनीतिक सदाशयता की बात होती है तब भी वो यही कहते हैं जब वो हड़का रहे थे यूपीए टू सरकार को कि अरे हम भी गिरफ्तार किए थे आडवाणी जी को पूछिए कितना बढ़िया मसान जोर के गेस्ट हाउस <laughs> में रखे थे दुमका के डीसी को सब निर्देश दिया था आप बाबा रामदेव कैसे गिरफ्तार किए वो एक घटना और उस घटना क्योंकि अलायंस चेंज हो रहे थे जनता परिवार के अंदर भी जो वीपी सिंह लालू प्रसाद के राज्यारोहण का विरोध करते हैं जो वीपी सिंह रामविलास पासवान को सलाह देते हैं कि आपको पटना की पॉलिटिक्स में लौटना चाहिए जो वीपी सिंह फिर राम शरण दास की राम सुंदर दास सॉरी राम सुंदर दास को भेजते हैं वहाँ अपना कैंडिडेट बना के जिन वीपी सिंह को लालू कह देते हैं बतौर सीएम की राजा साहब हमारी हेलीकॉप्टर में कुर्सी बैठ गए जरा उधर जाइए और वीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री तुरंत दूसरी तरफ बैठ जाते हैं जी है यात्रा की गिरफ्तारी के समय वही वी पी सिंह ये देखते हैं कि मुझे मुलायम सिंह को ज्यादा डाउन करना है या लालू को और वहां पे लालू के हाथ बटेर लग जाती है राजनीतिक पंडितों के मुताबिक क्या हुआ था उसमें देखिए पहला जो आइडिया था ना पटना में गिरफ्तार करने का था फर्स्ट जो है जो रैली भी हुआ था पटना में अडवाणी जी का लेकिन फिर भी जब लालू जी से मैंने ये सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि सब सब सवाल आपको सब चीज़ का जवाब हम दे ही दें आपको यह सब सब बात किताबें में लिखने के लिए होता है हाँ अपने हिसाब से कहा हाँ। तो लेकिन एक एक कहीं ना कहीं ये जरूर इंडिकेट किया कि ये मौका मुलायम सिंह को मिल सकता था जो कि बीपी सिंह ने नहीं दिया और बीपी सिंह की रजामंदी के बिना ये नहीं हुआ होगा हालांकि लालू जी ने ये चीज़ एडमिट नहीं किया लेकिन ये एकदम इंतजार किया हाजीपुर में भीड़ वायलेंट हो गई थी उनको था कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ये जो मैं काम कर रहा हूं क्रेडिट मेरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर इसीलिए डीएन गौतम को भेजा गया हाँ डीएन गौतम को भेजा गया डीएन गौतम टाइट किया और जान बूझ करके फर्स्ट शो ऑफ रेसिस्टेंस वो महात्मा गांधी सेतु पर होता है जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है वहां से जब निकल जाता है तब तक लगता है सब कुछ शांत हो गया तब इन्होंने प्लान किया कि ऐसा करो किसी को कोई भनक नहीं हो सबको एकदम समस्तीपुर तक एकदम शांति से आर के सिंह हैं वो पहुंच करके वो तीन या चार बजे रात्रि में अचानक कहा जाता है एकदम मीडिया उडिया किसी को भनक नहीं है वहां जाकर गिरफ्तारी होती है तो ऑफकोर्स वो ये एक इतना बड़ा लैंडमार्क चीज़ है कि तो मैंने कहा कि उस चैरियट को रोक करके अपना सेकुलरिज्म के चैरियट को बढ़ाया लालू प्रसाद ने उस चैरियट को तो रोक दिया लेकिन अपना वो एक स्थापित कर दिया मुस्लिम को जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा होगा एटी के बाद वो आडवाणी जी के रथ यात्रा को रोक रोक करके जो भी दो चार पाँच परसेंट वोट खिसक रहे होंगे उस सब को एक स्ट्रोक में उस इंसिडेंट ने अपना बना दिया इसका बहुत बड़ा सिम्बोलिज्म है उसके बाद कितना उसका इम्पैक्ट हुआ लेकिन लालू प्रसाद के पूरे पॉलिटिकल करियर में अगर एक बात मानी जाएगी तो मतलब अगर जो बराबर जिक्र होता है इस घटना का जिक्र होगा ही हमेशा ही हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पॉलिटिकल सिम्बोलिज्म में कहूँगा यह रथ यात्रा का रोकना और उस चीज़ को इनके कैस अभी भी अब देखिए सबकी पॉलिटिक्स इधर उधर हो गई लेकिन लालू प्रसाद की पॉलिटिक्स में आप ये कह सकते हैं कि ये आदमी उस चीज़ से नहीं सेकुलरिज्म वाले उस पॉइंट से अभी तक नहीं खिसका है डिस्पाइट ऑल द पोल्स एंड प्रेशर्स पॉलिटिकल बेंडेटा इस चीज़ से नहीं खिटका है वही पॉलिटिकल कैपिटल है अब जहां जहां हमने एक कहानी सुनी कि अभी अभी वर्तमान में लाता हूं ये कहा गया कि भी इस पर दबाव था तेजस्वी पर बीजेपी की तरफ से ऑफर कि भाई हम सरकार बना लीजिए आप नीतीश कुमार की भी ना हम विरोध नहीं करेंगे कुछ आदमी वॉकआउट कर लेंगे इस तरह से आपकी सरकार बनी रहेगी क्योंकि एक सौ दस तो है ही आपके पास आपकी सरकार बनी रहेगी तो कहा जाता है कि लालू प्रसाद ने कहा कि ये गलती कभी नहीं करना बहुत मुश्किल से उन्हें कैपिटल बनाया है तुम्हारे पास बहुत उम्र है अभी बनने के लिए अगर इनके साथ अगर इनका भी इनडायरेक्ट रूप से भी सपोर्ट तुम हो तुम डिफेम हो जाओगे तुम्हारी पॉलिटिक्स भी फिनिश हो जाएगी अब इसको तथ्यात्मक रूप से कितना सही है लेकिन एक कॉरिडोर में विस्पर्श तो ज़रूर है ये ये चीज़ें बैठती और इन सब के बीच लालू प्रसाद अपनी ज़मीन को मजबूत करने के लिए मुस्लिम वोटों को भी साधते हैं यह सत्य है कि सीतामढ़ी में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को तमाचा जड़ दिया था दंगे रोकने में विफलता के लिए आपने शहाल गुप्ता की एडिशन में जो किताब है उसमें कजुआ नाकाई मोजो नाका मैजों के एक लेख को कोट करते हुए लिखा है मैंने उसी कोट के हवाले से इस चीज़ को लिखा है चूँकि दंगे और... की खबर सुनते ही लालू सीतामढ़ी दौड़े और वहां पुलिस अधिकारी को एक तमाचा जड़ा जो अपने काम के प्रति गंभीर नहीं दिख रहा था और खुद दंगे रोकने के लिए कदम उठाए लालू का ये कदम राजीव गांधी से ठीक उलट था जिन्होंने भागलपुर दंगों के दौरान समस्या पैदा करने वाले एस पर कोई जिम्मेदारी डालना उचित नहीं ये देखिए एक अनादर ये पॉलिटिकल एक बहुत ही कंससली किया हुआ एक पॉलिटिकल चीज़ था वो तमाशे में कितनी गूंज थी तमाशे की मैं नहीं कह सकता लेकिन वो उसकी जो राजनीतिक गूंज थी वो बहुत बड़ी थी ये ये भी अनादर ऑप्टिक्स था कि देखो मैं इतना सख्त हो सकता हूँ तो ये ये चीज़ें लालू जी बीच बीच में करते थे लेकिन ये चीज़ें उन्होंने हमको लगता है कि अफकोर्स सन्तानवे तक ही मुख्यमंत्री रहे बाद के लेटर पार्ट में नहीं दिखा हमको नाइन्टी फाइव के बाद जो दो साल रहे तो वो इस तरह के जो सोशल एम्पावरमेंट और ऑप्टिक्स वाली चीज़ों में क्योंकि तब तक ऑफकोर्स मतलब 96 तक तो फॉर्डर में एम्ब्रॉयड हो गए हैं तो फिर उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और फिर बिहार की बदहाली की खबरें गूंजने लगती हैं जंगल प्रदेश लूट भय और बाहुबलियों का उदय आप सारे बाहुबली की अब कहानी हम जानते हैं एक तो रहे नहीं सबसे कहानी तो मतलब शाहबुद्दीन की जो कहानी विरोधियों को एसिड से नहला देने वाला शाहबुद्दीन हाँ वो वो जो वो जो एक एक चंदा बाबू के, के परिवार को तबाह करने वाले चार बेटों में से तीन बेटे जिसमें कि गिरीश सतीश को अब झगड़ा होता है इनका इन इनका अपना दुकान है खाली करवाने का झगड़ा है और अचानक जब हमला होता है तो होता है कि कुछ आपके पास नहीं है तो एक एसिड का बोतल दिखा तो डिफेंस में फेंक दिया हो सकता है कंससली नहीं फेंका हो वही चीज़ मिला एक क्योंकि एसिड था तो ये जो उस चीज़ का गुस्सा इतना हो गया कि अच्छा तुमने एसिड से किया है तो तुमको बताते हैं एसिड क्या होता है बाद में रौशन जो बड़ा भाई है जो देखता है वो वहाँ से किसी भागने में सफल हो पाता है वो उसका गवाह बनता है और उसके बाद कई वर्षों के बाद आई थिंक 2016 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है उसकी शादी जस्ट हुई उसके बाद किस प्रकार उस आदमी ने लेकिन सबसे बड़ी स्टोरी ये थी कि तीन बेटों को खोने के बाद उस आदमी ने सिवान नहीं छोड़ा अभी भी उनका एक भी एक बेटा नीतीश उसका नाम नीतीश है वो रहता है सिवान में ही रहता उसका घर है तो ऐसी कहानियां मतलब उस तरह देखिए क्रिमिमल जो मसल एलिमेंट की जो पूरी इंट्री जो थी ना उसका फुल सर्किल उस टाइम में कंप्लीट हो जाता है जो कि कांग्रेस के टाइम में वो शुरू हो गया था मतलब वो इस इस तरह का मसल एलिमेंट का आना वो लालू प्रसाद के राज में कहीं न कहीं रूप से जहाँ जहाँ उनको लगा कि ये वोट में ट्रांसफ़र हो सकता है उन सब का उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स में हाथ लिया जो कि का इन्फ्लुएंस था उस एरिया में खास करके गोपालगंज सिवान वाले एरिया में वो वहाँ से जीत करके सीट्स ला सकते थे तो उनके साथ वो अलायंस बनता है और इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स में उन ये चीज़ें कोई मुद्दा ही नहीं रहा उनके लिए कि इनसे समझौता किया नहीं समझौता किया जा सकता है और उस उस चीज़ को पार्सली मोर लेस्कमे सारी पार्टियां कर रही है हाँ उनके टाइम में यही था कि अब बैड पोस्टर बॉय थे साबुद्दीन तो उसके कारण लालू जी ज़्यादा बदनाम हुए डी एन ओझा डीजीपी थे जब शाहबुद्दीन की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चला रावड़ी देवी मुख्यमंत्री नाराज हाँ। वो, वो, वो स्ट्रिक्ट लेना चाहते थे तो राबड़ी देवी के आदेश को उस तरह से वो जो ऊपर से आदेश था कि कार्रवाई नहीं की जाए तो नहीं मान रहे थे तो उन्होंने उस चीज को एक तरह से कही ऑर्डर को डिफाई कर दिया कि हमसे ये नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा तो उनको हटा तो तो दिया गया तो मैं इस किताब में उसमें थे वो मैं बात करने की कोशिश की तो उन्होंने तो कहा कि अब चोड़िए बीतीता ही बिसारी है। जो हो गया सो हो गया आपको आधिकानी तो पता ही है हमको आधिकानी हमसे क्यों बुलवाना चाहते हैं तो जो भी फैक्ट्स आपके रिकॉर्ड में आया है उसको आप लिख सकते हैं इतना कहा था उन्होंने मुझे लेकिन ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू नहीं दिया था उन्होंने अपहरण उद्योग भी चरम पर था अशोक कर्ण नाम के फोटो जर्नलिस्ट का अपहरण होता है पत्रकार नाराज होते हैं लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचते हैं लालू कहते हैं दो घंटे में छूट जाएगा और छूट जाते हैं हाँ इस तरह के अब तो लगते थे और आपने बाकायदा विस्तार से किया विस्तार विस्तार से वो पूरा पूरा वहाँ भीड़ जाती है और कैसे उसको खोजा जाता है उसकी पूरी कहानी है कि कहाँ कहाँ होगा तो आप ये तर्क देते हैं कि प्रशासन के लोग हैं पुलिस पुलिस पर प्रभाव डाला ये प्रेशर डाला होगा उसे पता किया लेकिन कनेक्शन था और उसमें कोर्ट भी होगा और और जो लोगों का है इवन आई थिंक जो पक्ष के थे साधु यादव से भी बातचीत की थी उन पर जो ये, ये एलिगेशन जो लगता था उनसे मैंने पूछा था तो ये बहुत इंटरेस्टिंगली उन्होंने मुझे फ़ोन किया था हाल में इस किताब को पढ़ने साधु यादव ने हाँ कि भाई आपने क्या लिखा मैंने मेरे मकान के बारे में व्हाइट हाउस लिख दिया मैंने कहा भाई उजला घर है तो व्हाइट हाउस लिख दिया तो व्हाइट हाउस तो अपनी कम्प्लीमेंट है तो पूरी तरह से नहीं पढ़ा था फिर उन्होंने अपना कहा कि सात पेज पढ़ा मैंने किसी पूर्वाग्रह दुराग्रह से नहीं लिखा है जो आपको मैंने इंटरव्यू किया जो आपने इंटरव्यू दिया है आपके पक्ष को ही रखने के लिए मैंने कहा है तब उन्होंने शांत शांत हुए इस बात को मैंने कहा आठ वर्ष के बाद तो आप रिएक्ट कर रहे हैं किताब तो अंग्रेजी में कब की आ गई थी तो हिंदी वाली आई वो भी आपने पढ़ी नहीं किसी के कहने पर फिर उन्होंने पढ़ी फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तब आपने मेरे मेरे भर्जन को भी डाला है तो व्हाइट हाउस जो लिख दिया घर को तो उनको थोड़ा बुरा लगा कि माँ के नाम पर मैं क्या भाई माँ भी तो आप ही किया है ना व्हाइट हाउस तो भाई प्रेसिडेंट का हाउस अमेरिका के प्रेसिडेंट का तो है तो कंप्लीमेंट है तो अब वो सब फ्रेंजीज फ्रिंजेज पर हैं उनकी पॉलिटिक्स सब खत्म हो गई है अब आपने जिक्र कर दिया है साधु यादव का तो उस चैप्टर पर भी आ जाते हैं चैप्टर नंबर छह लालू का साधुवाद लालू का साधुवाद हाँ। रावड़ी जी रही हुई थी रूसल रही। हुई। हाँ। चोखा मांगते थे तो चटनी दे देती <laughs> थी इसलिए उनके भाई को खेल कोटे से विधान परिषद में नियुक्त करना पड़ा कैलेंडर में बरस उन्नीस सौ ये साधु यादव और सुभाष यादव की क्या कहानी है क्योंकि लालू जी के समर्थक कहते हैं कि सब बिगाड़ा हुआ उन्हीं का है और वो दोष चल गया चला गया इनके विरोधी कहते हैं कि उन्हीं की शह पर तो कर रहे होंगे साधु यादव सुभाष यादव शक्ति कहाँ से पाते थे और बाद में परिवार में अलगाव भी हो गया और अलगाव इस स्तर तक पहुँच गया कि तेजस्वी यादव अपनी मर्जी से अपने जीवन का फैसला लेते हैं कि जिस स्त्री से वो प्रेम करते हैं उसके साथ शादी करें बिल्कुल सही बात है राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो लोहिया जी तो यही सिखा गए हैं है ना कि जाति धर्म के सब बंधन तोड़िए रोटी और बेटी का नाता जोड़िए पर उस पर भी साधु यादव की टिप्पणी आती है तो उससे ये भी समझ में आता है कि कितना दुराव हो गया है गोपालगंज के बाई इलेक्शन से लेके एक लंबी कहानी है पर यह सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ ऑफकोर्स देखिए उनके लालू जी के अपने परिवार वाले उतने लाभान्वित नहीं जितने के ससुराल पक्ष के लोग हुए अब आप, कोर्स ससुराल मतलब उनका एफुलेंट जब शादी हुई थी लालू जी की तो बहुत गरीब परिवार के थे और इनका जो ससुराल था बहुत एफुलेंट था मैंने जिक्र किया है कि किस प्रकार का पक्का का घर है दो शेर के निशान वाले बने हुए हैं तो उस समय सोचा नहीं होगा कि राव पावर मिलेगा इस परिवार को कभी उस चीज़ का सिम्बॉल था पूरे इलाके में उस तरह का मकान नहीं हुआ करता था तो एक तरह से उपकृत थे अवलाइज थे कि बड़े घर में मेरी शादी हुई है चौहत्तर में जब हुई तो ये लोग जब साथ में आए करीबी हुए तो कहा जाता है कि एक साधु जी रावड़ी जी के करीबी थे और सुभाष लालू जी के करीबी थे अच्छा। तो दोनों ने अपना अपना एक कोटा एक ने दीदी को पकड़ा हाँ, एक ने जीजा जी को जीजा जी को, को पकड़ लिया तो ऑफकोर्स पॉलिटिकल वर्कर भी तो थे काम भी तो करते थे पॉलिटिक्स में थे पार्टी के सदस्य भी थे तो धीरे धीरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी तो कैसे बन सकते हैं तो जीत के नहीं बन सकते तो स्पोर्ट्स कोटा में बनाया तो स्पोर्ट्स कोटा बनते बनते बाद में वो जीत के भी बने तो आप एम्बिशन की कहानी है फैमिली में कैसे लाजेसी पॉलिटिकल लाजेसी बढ़ता है बाद में सुभाष भी राज्यसभा के एमपी बने लेकिन अब जब बच्चे जब बड़े होने लगे ना तो धीरे धीरे दे वो जब एसर्ट करने लगे इन लोगों का इंटरफेरेंस कम हो गया 2005 के बाद मुझे लगता है कि इन लोगों का जाना वाना धीरे धीरे पूरी तरह से जब गाड़ी में पार्किंग लगाने नहीं दिया था एक बार मुझे लगता है कि पाँच की पाँच का जिक्र है सीएम हाउस के पार्किंग में गाड़ी नहीं लगा देता तो एक मैसेज चला गया कि अब दाल नहीं चले गलेगी अब यहाँ से तो फिर ये अपना रेसिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टी में गए कांग्रेस में भी गए लेकिन प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब वो नहीं हो सकता है क्योंकि सेकेंड जनरेशन के साथ अब वो पॉसिबल नहीं है हाँ कम्प्लीटली वो मुझे लगता है कि अब डोर इज कम्पलीटली सेट फॉर देम लेकिन उनको जितना भी पॉलिटिकली हासिल करना था उन्होंने कर लिया है सुभाष यादव ने तो बड़ी नाराजगी जताई कि बताइए नौकरों को भी साला बोलते थे हम सब कुली काम करते थे नाराजगी में हम चले जाते तो बुला के वापस लाते थे और इन सब के बीच एक पंक्ति है आपने सिर्फ एक पंक्ति लिखी है लेकिन मैं चाहता हूँ किताब वाला में विस्तार से उस पर बात हो पंक्ति है ये साधु यादव के बारे में है आगे उन्होंने आगे उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के लिए भी 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से अहमदाबाद में चाय पर चर्चा की नरेंद्र मोदी और साधु यादव के बीच क्या बातचीत हुई नाराजगी काफी चल रही थी उस समय लालू जी से तो इस तरह साधु जी ने खुल के तो नहीं बताया लेकिन इतना जरूर इंगित किया कि भाई वहां हम गए तो एक मैं को पॉलिटिकल बार्गेनिंग का पता तो चला कि मेरी पॉलिटिकल बार्गेनिंग क्या हो सकती है एक मैसेज स्ट्रांग मैसेज देने के लिए ताकि ये एम्बेरस हों वो सफल हुआ और बहुत इवन नीतीश कुमार के पार्टी में लगभग ज्वाइन करते करते रहे हो सकता है कि लालू जी के कहने से ज्वाइन नहीं करवाया हो कि यार एम्बेरसमेंट होगा आज जो तेज तेज प्रताप जो बगावती तेवर अपनाए हुए हैं लालू जी क्यों उनको विनर्स किए हुए हैं कि भाई शांत रुको इसको अगर शांत नहीं रखोगे हो सकता है कि कल को अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले ये तो एम्बेरेसमेंट तो बहुत होगा ना उसकी अपनी पॉलिटिकल कैपिटल कितना है, बात है. क्या गुण। क्या गुण। गुण। क्या गुण। अलग बात है क्या कंस्टिट्यूंसी अलग बात है एम्बेरस करेगा तो सिमिलर उसी तरह की चीज़, चीज़ें हुई उस समय तो वो कहानी ये थी कि कोई भी विपक्ष के लोग चाहता है कि परिवार का कोई सदस्य आता है तो उसको तरजीह देता है क्योंकि उसको एक पॉलिटिकल माइलेज मिलता है तो कहा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ज्वाइन करना लेकिन हम चाय पर चले गए मेरा मैसेज था मैसेज कन्वे हो गया लेकिन उस मैसेज कन्वे होने के बाद उसको फायदा नहीं हुआ राजनीतिक ये अलग बात है उन्होंने बताया नहीं कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने क्या कहा नहीं गुजरात के मुख्यमंत्री वो आने वाने के लिए बात नहीं कहा कहा कि भाई गए स्वागत किया चाय वह पिलाया वो कुछ ऑफर पार्टी ज्वाइन करने के लिए नहीं किया लेकिन कोई अगर किसी के यहाँ चाय पे मिलता है तो ऐसे तो नहीं मिलता है मैं भी अपना एक जो मुझे जो मैसेज देना था ये मिल करके मैंने दे दिया फिर बाद में परिवार से डिसाइड उड किया तो फिर वह आ कि ज्वाइन वाइन करना सही नहीं रहेगा हो सकता है दबाव भी आया हो कि नहीं ये सब मत करो राजनीति की तो पूरी कहानी नहीं बताते हैं ना वो अपने हिस्से की कहानी बताते हैं उसके हिसाब से हम पर छोड़ देते हैं कि इंटरप्रेट करो आप और इन लोगों का राजनीतिक पराभव शुरू होता है 2005 से हाँ मीसा रोहिणी और हेमा लालू जी की तीन बेटियां सक्रियता दिखाने हाँ। लगती है दिलचस्पी लेती हैं और इन मामाओं से अपने माता पिता को बचाने की जुगत में लग जाती है एकदम वो ये चीज़ तो चल ही रहा था उसके बाद मीसा तो बड़ी थी और रणनीतिक रूप से समझदार थी और मतलब हमको लगता है कि रावड़ी जी के शासनकाल में वो बहुत परामर्श देती थी तो मेचोरिटी आ गई थी लेकिन फिर भी इंटरफेरेंस था इन लोगों का क्योंकि ये इन एंड आउट जेल जा रहे थे आ रहे थे परिवार के बहुत सारी चीज़ों को मतलब संभालना पड़ता था तो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था मुझे लगता है पाँच तक तो नहीं कहिए आठ नौ तक तो ये लोग रहे ही हैं मतलब उसके बाद पूरी तरह से दस तक तक ये दस तक में कंप्लीटली इन लोगों का पूरा कोई भी इन्फ्लुएंस तो मतलब दस और कुलर में बंदी हो गया अब तो मुझे लगता है जब कि बेतिया से उन्होंने प्रकाश झा हाँ। टिकट दे दिया लालू एल जे पी के उस पे और ये कांग्रेस से टिकट ले आए आश्रम हाँ, को साधु मिल गया साधु को आश्रम आश्रम को साधु और आश्रम और साधु को आश्रम साधु को आश्रम आश्रम को साधु मिल गया तो उसमें बहुत चला था ये चीज ये लाइन लालू जी के शासनकाल पर बहुत बात होती है आप 2014 के चुनाव के क्रम में राबड़ी देवी कितनी सक्रियता के साथ जाती हैं मुस्लिम बस्तियों में क्या भाषण देती हैं ये सब भी है पर उन्नीस के बाद उन्नीस के बाद राबड़ी देवी का जब शासनकाल शुरू होता है वो मंज़र कैसा था ख़ासतौर पर उनका चुनाव क्योंकि इसमें कई चुनावों का जिक्र आता है लालू कैसे पहली बार चुने गए उसके पहले जगन्नाथ मिश्र के हवाले से आता है कि कैसे जगजीवन राम और कमलापति त्रिपाठी का नाम चल रहा था प्रधानमंत्री के लिए जस्टिस सिन्हा के नतीजे सुनाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैसे ही ये जिक्र भी आता है कि लालू का उत्तराधिकारी कौन होगा कई नाम चल रहे थे और फिर अचानक से राबड़ी का नाम आता है इसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी फातमी समेत कई लोग अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं आपको क्या जानकारी थी इसकी जानकारी ये थी कि लालू जी को कुछ करना होता था तो स्क्रिप्ट पहले बना लेते थे और उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करवाते थे उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार कर लिया था राबड़ी देवी के लिए लेकिन ये परि... पार्टी के लोगों से कहलवाना चाहते थे जो एक सीजन पॉलिटिशियन करता है तो जितने आपको भाई रंजन यादव को मत बोलिए वो तो अपने आप को चीफ मिनिस्टर ही समझते थे लालू जी के परम मित्र से सीनियर थे लेकिन वो वो उनको लगता था कम को मौका मिलेगा तो मैंने जब उन इंटरव्यू किया था ये बात पूछा था ये एग्जैक्टली इसी प्रकरण का क्या आप दावेदार थे का भी अगर कोई इंसान में महत्वाकांक्षा नहीं है वो माटी का पुतला है मैं कैसे मानूं महत्वाकांक्षा नहीं थी तो वो दावेदार थे अब्दुल अब्दुल्वारी सिद्दीकी रामचंद्र पूबे इस तरह के लोग जो सीनियर लोग थे इवन साधु यादव भी हमको क्लेम किए कि मेरा भी नाम चल रहा था इस बात से मैं कन्विंस नहीं हूँ उनका नाम चल रहा होगा उन्होंने क्लेम किया कि मुझे भी कहा जा रहा था तुम ही बन जाओ लेकिन फिर घुमा फिरा के लगा कि कौन संभालेगा तो उसके बाद पार्टी के किसी लोगों से कहलवा दिया गया कि भाई हम लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा है क्यों नहीं ये बात राबड़ी जी संभालें तो जब एक बार राबड़ी जी का नाम आ गया किस कि, 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 किसकी मजाल थी कि उस चीज़ को इंडोर्स नहीं करे तो इंडोर्स करने की होड़ लगे बहुत अच्छा नाम है बहुत अच्छा नाम है तो वो स्क्रिप्ट पूरा बना हुआ था उस स्क्रिप्ट में डॉट्स को फिल करवाया अपने लोगों से एक ड्रामेटाइजेशन के बाद टिपिकल लालू जी के स्टाइल में थोड़ा सा समय अभाव है तो कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं नीतीश कुमार की तरफ <laughs> नीतीश की तरफ रामविलास पासवान जी के एक बयान के हवाले से कि एनडीए की बैठक हो रही है अटल जी कहते हैं कि पासवान जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए पासवान जी अपने आप को पीछे कर लेते हैं और नीतीश की राह खुलती है क्या हुआ था एकदम सही है पासवान जी ने मतलब कहा था कि मैं तीन बार बिहार का मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया तीन बार हाँ नब्बे में नब्बे में भी नब्बे एक नब्बे एक दो हजार दो और दो हजारीन दो हजार पांच तो में तो पशुपति पारस को बनाओ नहीं नहीं नहीं, नहीं वो था का मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बने वो तो इन्होंने इन्होंने कहा कहा हाँ। लेकिन पासवान जी कहा कि मैं अपने नाम पर अगर कहता तो ये लोग मान जाते लेकिन मैंने अपना नाम मैंने एक पोजीशन ले लिया था कि मुस्लिम चाहिए मैं अगर अपने नाम पर बोल देता कि भाई उसमें इतना डिस्परेशन था खास करके लालू जी की तरफ से वो लोग क्योंकि उसके बाद नीतीश तो जी बनते हैं तो हो सकता है कुछ ही दिन रहता तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता था अपना नाम नहीं डाला आप जो दूसरी बार का जिक्र कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि खुली मीटिंग में हमको अटल अटल जी मैंने कहा कि पासवान जी आप बिहार जाइए या देखिए तो मैंने कहा कि मुझे पाँच मिनट समय दीजिए मैं मीटिंग से बाहर आता हूँ किसी से बात करता हूँ फिर मैं कहता हूँ कि नहीं सर मुझे जो है नेशन की पॉलिटिक्स करनी है तो मैंने पूछा उनको कि बाद में आपने यह क्यों ठुकराया तो बोला कि नंबर्स कहाँ थे मान लीजिए कि मैं केंद्र में था और मैं दस जो नीतीश कुमार के साथ हुआ पांच दस दिन के मुख्यमंत्री बनता तो फजीहत होती तो नीतीश कुमार जो बनते हैं नीतीश कुमार के नहीं बनने के बाद जो उनकी खुशी है पासवान जी की वो भी ज़बरदस्त है बताने लायक कि वो गाड़ी में बैठते हैं नीतीश कुमार जब नंबर पूरा नहीं कर पाते हैं और उसके बाद पंच करते हैं ऐसे करके हाथ गाड़ी के अंदर से कि बहुत बड़ा चला था मुख्यमंत्री बनने के लिए हो गया ना तो वो लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट किया तो इस लेवल हो गया ना मैं तो नहीं 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 बनना था मुझको ये भी नहीं बना। ये ये भी बना पूरी कहानी ये थी नीतीश कुमार की राजनीति पे बात करने के लिए कई प्रवेश द्वार हैं एक तो वो चर्चित प्रसंग दूसरा चुनाव हारने के बाद भी की बाई हु बनना, बनना तो है ही हाँ यू टर्न वाला नेता तीसरे चौथे पांचवें नंबर की पार्टी बनके भी प्रासंगिक बना रहने वाला नेता पर मुझे लगता है कि नीतीश की राजनीति जो उनके गले में अस्सी के दशक में मछली का एक कांटा फंसा था जिसके बाद से उन्होंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया और केवरा का झोर और वही सब चीज़ें खाने लगे क्या आपको लगता है कि नीतीश के गले में कुछ अटक गया है राजनेता नीतीश के गले में जिसको अब वो अलग अलग सभीते से जिस व्यक्ति के हाथ पकड़ के लुधियाना की एनडीए की रैली में फ़ोटो खिंचवाने भर से वो कितने नाराज़ हो गए कि अरुण जेटली संजय झा सबको सुना दिया 2013-14 में जिस व्यक्ति को वो हिटलर कह रहे हैं 2017 आते आते बगलगीर हो जाते हैं 2019 तक आते आते गुणगान करने लगते स्विच कर जाते हैं और आज की तारीख में जब मैं जून 2023 में आपसे ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो नए सिरे से अपने राजनीतिक बड़प्पन का परिचय देते हुए अलग अलग राज्यों के विपक्षी दलों के नेता जो भाजपा से विरोध में हैं या फिर मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं और एक गैर भाजपाई ऐसा कॉन्सेंस वाला चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से देखते हैं आप नीतीश की इस पूरी पॉलिटिक्स को गले में क्या फंसा है गले में आपको राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा फंसी है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऑफकोर्स उनको तेरह में समय मिला था चौदह में हो सकता था लेकिन उसमें उन्होंने लालू जी से अलायंस अगर कर लिया होता तो हो सकता है कि रोक नहीं पाते लेकिन एक नंबर आ सकता था और एक अपने आप को एसर्ट कर सकते थे न एंटी नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स के न्यूक्लियस बन सकते थे थोड़े से में ही थोड़े ही स्केल पर वो वो अपॉर्चुनिटी गवा दिया अकेले लड़ करके बीस से दो सीट आ गया पंद्रह में आते हैं तो फिर प्रयास करते हैं कि प्रोविजन को देकर करके कि, कि राष्ट्रीय लेवल पर एप्लीकेट होगा इस मॉडल को अपनाया जाएगा कांग्रेस ने तरजीह नहीं दी तो सत्रह तक मोह भंग हो जाता है तो वापस आ जाते हैं तब बीच में कोई चुनाव नहीं था तो उन्नीस निकल गया एन के साथ अब इनको लगता है कि हमको क्या प्रूव करना है एट तरन कागज पर डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के आपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो गए हैं आपको राजनीतिक रूप से आपको कुछ प्रूव नहीं करना है एक तीन परसेंट की जाति आधार का नेता अगर बिहार की राजनीति में कास्टर्न बिहार की पॉलिटिक्स में इतने लंबे समय तक तो मुख्यमंत्री रह सकता है ये तो एक नज़ीर है मतलब एक केस स्टडी है तो अब इनको लगता है कि हमको आउटसाइड चांस है तो आउटसाइड चांस कैसे है इन्होंने क्या किया है मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप ये बताइए कि इस बार क्या नया हो रहा है तो हम लोग होते क्या है कि कभी कभी डिसमेसिव हो जाते हैं किसी नेता को लंबे समय तक कवर करते हैं तो डिसमेसिव हो जाते हैं लेकिन नहीं होना चाहिए हम लोग को डिसपैसनेट होना चाहिए मैं ये पूछता हूँ लोगों को कि क्या चौदह और उन्नीस में ऐसा कोई प्रयास हुआ था नहीं चौदह उन्नीस में ऐसा प्रयास नहीं होता नीतीश कुमार के क्रेडिट में ये जाता है कि उन्होंने उन्नीस में तेईस में ऐसा प्रयास किया है दूसरा उनका क्रेडिट ये है नीतीश कुमार का उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के पीछे वो है कि उन्होंने कांग्रेस से जो बात नहीं करती थी पार्टियां आइस मेल्टर का काम किया है बिटवीन कांग्रेस एंड अरविंद केजरीवाल कांग्रेस एंड ममता बनर्जी कांग्रेस एंड अखिलेश यादव तो ये अब बसता कौन है नवीन पटनायक बसते हैं केसीआर बसते हैं जगनमोहन रेड्डी बसते हैं बट ये लोग पोस्ट पोल अलायंस पार्टनर हो सकते हैं नवीन पटनायक से डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई है डेढ़ घंटे तक बातचीत बिना अनौपचारिक बातचीत होती है उन्होंने ये कहा होगा कि आप लोग संघर्ष कीजिए बाद में देखा जाएगा अभी हम इक्विड हैं न्यूट्रल स्टैंड है हमको रहने दीजिए हम कोई रेडियंट फेस बाहर में नहीं दिखाएंगे के भी देख रहे हैं भाई कि मेरा कांग्रेस यहाँ प्रिंसिपल ले लाया है तो हम स्टेट पॉलिटिक्स को क्यों स्टेक करेंगे लेकिन लो, लोग लोकसभा के बाद देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस तो नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के पीछे उनकी अपनी है लेकिन उनके साथ साथ उनको लगता है कि कुछ पॉजिटिव चीजें नजर आ रही है अब देखिए जेपी जेपी की बहुत बात करते हैं मूवमेंट वो एक मूवमेंट था मूवमेंट्स में एक अर्जेंसी होती है अर्जेंसी के बाद 77 हुआ इमरजेंसी हुई एक अलग चीज था उस समय कंपेरिजन नहीं करूंगा लेकिन ये मत भूलिए कि बिहार ही वो धरती है जिसमें नाइनटीन थर्टी फोर में अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है जो कि कांग्रेस का रेडिकल ग्रुप है उसके पहले उन्नीस सौ बत्तीस में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1965 में एंटी कांग्रेस का नारा जो लोहिया देते हैं तो वो पर प्थ बिहार पटना से शुरू करते हैं तब चौहत्तर होता है चौहत्तर के पहले इतनी चीज़ें होती लोग कैसे भूल जाते हैं फिर एटी में बीपी सिंह जाते हैं चंद्रशेखर जाते हैं तो एक पटना का जो रोल है उसमें नीतीश कुमार को लगता है कि अगर ये हमारा क्लिक कर गया यहाँ के बाद तो सीट शेयरिंग की बातें आती है ना और कांग्रेस को लगता है कि ग्राउंड कंसीड कर करेगी नीतीश कुमार ये इस रैली को 12 तारीख को ही कर सकते थे कुछ लोग नहीं आते लेकिन उनको लगा कि नहीं भद्द नहीं पिटवानी है एक उन्होंने इंश्योर किया कि एक एक नेता टॉप नेता इंश्योर करें उसी डेट को रखो जब सब ने डेट कन्फर्म किया सबका डेट कन्फर्म है तब उन्होंने कहा उनको ग्रैंड शो चाहिए अब इसके बाद जो है उनको लगता है कि कुछ हो ना हो बाद में उनको पहले तो लगता है कुछ होगा उनकी पॉलिटिकल बार्गेनिंग जो है 24 के बाद भी बनी रहेगी इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ द 24 क्योंकि बीजेपी चौबीस के बाद बिहार में पच्चीस आने वाला है बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है नीतीश कुमार टेस्टेड एंड ट्रायड पार्टनर है कुमार स्टील ए स्टोरी इन प्रोग्रेस फॉर बीजेपी चौबीस के बाद <laughs> आपकी मुस्कुराहट लगता है कुछ अगला सवाल करेंगे आप प्रेम कुमार मणि हाँ इंटरेस्टिंग पर्सन प्रेम कुमार मणि से बात करते हुए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं अरे मैं तो फैन हूँ इस आदमी का अरे वो आप उनसे मिलेंगे तो जानेंगे घाची है घाची अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं उसमें बहुत खुश थे प्रेम कुमार मानी के यहाँ बहुत बराबर जाया करते थे कब की बात है ये हमको लगता है कि दो हजार चार बार के आसपास के पास चार पांच के बाद जाते थे और जिसमें एक यहाँ पाजपी जी की सरकार थी मंत्री थे ये तो जाते थे बैठते थे खाना पीना खाते थे तो उसी बातचीत के सिलसिले में उनको उन्होंने बताया था और बहुत ही लिटरेटी और आदमी हैं साहित्यिक हैं आदमी हैं तो उनको तो उस समय उनको उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया उन्हों से इंटरप्रेट किया तो उनको लगा कि एक ओबीसी इमर्ज करके आ रहा है नेशनल प्रोडक्ट पर तब तो ये भी मुख्यमंत्री थे वो भी मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री उधर बन, इमर्ज कर रहा था तो उन, लेकिन जैसे जैसे जब नेशनल पॉलिटिक्स नेशनल का दोनों क्लैश हो गया तो जैसे आप यहां पर इस तरह से पहुंचते हैं तो वहां तो टॉप पर तो श्रिंक हो जाता है स्पेस क्लैश शुरू होता है जब दोनों का नेशनल एम्बिशन क्लास करता है जब तक अपने अपने स्टेट्स में तब तक तो, तो फैन थे बाद में जब वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा आड़े आ जाती है बारह के पहले भी तो बहुत सारी घटनाएं घटी है लेकिन नीतीश कुमार ने क्यों डिमार्केट किया कि कहीं ना कहीं दस जीतने के बाद नौ जीतने के बाद उनको एक लगा कि मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता हूँ मैं एक एम्बिशन है तब ने उनको चुना कि क्लीन एंड सेकुलर इमेज बारह का प्रेस जो एक एक अखबार के इंटरव्यू पहले एक पार्टी की मीटिंग में बोला फिर एक एक अखबार के इंटरव्यू में उन्होंने कहा तक होना चाहिए वो नरेंद्र मोदी के लिए डायरेक्टेड था और जब वो चीज़ हुआ कि नहीं तेरह तक आते आते हो गया कि एन के घटक ये बनेंगे फेस बनेंगे कंपेन कमेटी के होंगे तब इनको अंदेशा हो गया आप जो इनकी नितिन गडकरी से शुरुआत की

हाँ, उंसमेंट होता है उन सब के बीच में उस, क्या बातचीत हुई आडवाणी जेटली सुषमा स्वराज इन सब की नीतीश कुमार सब सबसे सबसे बातचीत हुई लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया इनको लग गया कि यही जनरली होता है तब इनको लगा कि इनके जो स्क्रिप्ट इनको जो कहा जा रहा था इनको एक मुगालते में रख रहा था उनको एक स्पष्ट हो गया और जून तेरह में उन्होंने अपना एक लाइन ले लिया कि अब इनको अलग होना है तो आपको उस अलग बात है कि वहीं से राजनीति आपको प्रथम जो सवाल था कि कहाँ अटकी हुई है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो वहीं इनको बताया ना कि भाई आप तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं दो सौ जीत दो सौ में आप जीत गए हैं आप तो दो दस में आपके नेतृत्व में आपके नेतृत्व हाँ। आपके नेतृत्व में एक सौ अठारह आ गया भाई इनको आ गया था एक सौ चौदह या सोलह था

कि जब ये कहा कि भाई एक डिप्टी सी होना चाहिए तो ललन सिंह ने कहा कि नहीं नहीं पैरल दो हो जाएगा पावर सेंटर ये नहीं होना चाहिए पैरल पावर सेंटर तब शरद जी ने शरद यादव ने इंटरव्यू किया कि नहीं पैरल क्या होगा इसको बनना चाहिए चौहत्तर के मूवमेंट का ये भी नेता है तो अभी भी नीति शरद यादव को थैंक यू बोलते हैं सुशील मोदी हाँ कि भाई हमको डिप्टी सी बनाने में अरुण जेटली और इस आदमी का हाथ है

2009 मुजफ्फरपुर एकदम एकदम बोल नहीं पाते थे बहुत मुश्किल से तो मैंने उनको पूछा था कि आपको क्या प्रूफ करना है आपने तो हथकड़ी लगा के जेल के अंदर से जीत लिया था सतहत्तर में 77 यही सुषमा स्वराज गई थी नामांकन में <laughs> अम्बाला की युवा वकील तो नहीं बोले कि नहीं नहीं मुझको अभी भी बहुत कुछ प्रूफ करना है और टोकरी छाप लेकर के बहुत मतलब उतने बड़े नेता को उस स्थिति में और बोल नहीं पा रहे हैं अपना पेम्फलेट दे रहे हैं कि उनको जो बोलना है तो गजब था क्योंकि उस आदमी का फायरी स्पीच हमने हम लोगों ने कितनी बार पार्लियामेंट में सुना है इधर से कागज निकाल रहे हैं उसको उधर से कागज निकाल रहे हैं उस स्थिति में देखना लेकिन फिर आप राज्यसभा तो उसके बाद उनको ही दिया था नीतीश कुमार ने हाँ फिर ले आए थे वो अलग बात है दो यू टर्न है जिनकी खूब चर्चा होती है दो का और फिर दो हजार बाईस का क्या हुआ अंदर खाने 2017 में तो जैसे मैंने बताया ना कि उनको लगा कि अब जिस कॉम्बिनेशन में आए हैं यूपीए में कोई भाव नहीं दे रहा है अब देखिए लीकर को आप देखिए लीकर पॉलिसी को देखिए इसी चीफ मिनिस्टर ने लीकर को लिबरलाइज किया एक तरह से घर घर पहुँचाया जहाँ कि पाँच करोड़ सात करोड़ आता था चार हजार पाँच हज़ार करोड़ हमारा एक्साइज रेवेन्यू पहुंच गया था एक कैश स्टार स्टेट के लिए रेवेन्यू जरूरत था वो उन्होंने जनरेट किया और अचानक इनको लगा कि यार गुजरात ये हम प्रोविशन को लिख जाते हैं महात्मा गांधी को इन्वोक करते हैं और इनके पास कोई नेशनल प्लैंक नहीं था तो इस सत्रह में इन्होंने एक प्लैंक ले लिया प्रोविशन का सोलह में सोलह में जब लाते हैं तो इनको लगा कि और इस चीज़ को वार्ता से टीम आ रही है उत्तर प्रदेश में इनका स्वागत हो रहा है तो ये सारे स्क्रिप्ट बनाई गई कि ताकि लोगों को लगे कि और दो चार स्टेट रिप्लीकेट करे और इसको कांग्रेस सपोर्ट करे इनके स्क्रिप्ट से नहीं हुआ इनको मतलब कोई पद की लालसा नहीं थी पद बना देता बहुत तो तब उनको लगा कि फटीक हो गया तब नीतीश कुमार ने तीन चार आदमी का नाम दिया कि हरिवंश जी का नाम दिया संजय झा का नाम दिया एक दो और आदमी का नाम दिया कि ये लोग ले जाने में भाई अब कोई आदमी आपको कैसे सलाह दे सकता है वो उन्होंने सोच लिया तो उनको वो उन्होंने शॉर्ट टर्म शरद जी शरद यादव ने हमको बहुत बात ये दो तीन बार ये बातें ये बात कही कि एक जगह नीतीश कुमार लंबे समय तक नहीं टिकता है तुम गांठ बांध के ले लो अपने देत के एक साल पहले भी मुझे बोला है इंटरव्यू में कि ये नहीं टिकेगा टिकी नहीं सकता है इसका तो ये सत्रह की यूटर्न की ये कहानी थी कि उनको लगा कि इस खेमे में कांग्रेस तरजीह नहीं दे रही है थोड़ा विस्तार से बताइए सत्रह जनवरी दो हजार सत्रह हा लंगर हाँ? हाँ विस्तार से पर के? मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी की लालू प्रसाद यादव से

वो जमीन बैठे हुए हैं प्रकाश पर्व का जो प्रकाश प्रकाश पर्व का है जी। डिप्टी सीएम को दे सकते थे वो जगह वो भी नहीं है वो प्रोटोकॉल में भी आ जाता वो एकोमोडेट किया जा सकता है वो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग थी टू तो सो हिज पॉलिटिकल प्लेस ये तो बिटरनेस हो गया यहाँ से रिफ्ट क्रिएट हो गया कि यार वहाँ तुम बैठे हो हमको यहाँ तुम नीचे बैठा दिए प्रकाश पर्व में और उसके बाद जब वहाँ मुलाकात होती है तो लंगर होता है फिर वो जो लंगर वो क्यों बोलते हैं कि वो वो एक एक कहानी जो आप जो उसके पहले की कड़ी है जिसमें कि प्रेम गुप्ता लालू जी के साथ जाते हैं अरुण जेटली से मिलने के लिए हुँ. जो झारखंड वाला केस चल रहा है कि भाई सब केस को क्लब करने की बात उसमें ये रिक्वेस्ट कि भाई आप ये सब बंद कीजिए बहुत हो गया बाल बच्चा को परेशान मत कीजिए अपने खुद ने बोलते हैं प्रेम गुप्ता इनकी तरफ से बोलते हैं लालू जी चुप रहते हैं इस चीज की भनक नीतीश कुमार को को मिल जाती है अपने एक सिपा के, के थ्रू और नीतीश कुमार का मुंह पांच मिनट के लिए कहते हैं खुला रह गया जैसा डिस्क्राइब किया जैसे बताया नहीं न्यूज कुछ नहीं बोले सन्न रह गए तो उसी उसी घटना के बाद से आई थिंक ये स्टार्ट हो गया था सोलह के लास्ट में ही स्टार्ट हो गया था कहीं ना कहीं ये चीजें स्क्रिप्ट तो उनका मुंह भंग होना शुरू हो गया कि इस कॉम्बिनेशन से और इनको लगा कि कहीं बीजेपी तो इनके साथ लालू जी के साथ मिल के कुछ नहीं कर सकती है तो दो थरपाट डर लग गया कि भाई यहाँ यहाँ भी स्टेट भी हमारा गड़बड़ हो जाएगा तब उन्होंने कहा कि नहीं इस चीज़ को रिविजिट करते हैं वहाँ उधर से तो ऑफर स्टैंडिंग ऑफर हमेशा था आप आइए तो फिर उसी हिसाब से रिवर्क किया और सरकार बनी सत्रह की बाईस में बाईस का भी दो महीने पहले से स्क्रिप्ट था दो तो तीन महीने से दो तीन महीने क्या उसके पहले से जब दस पार्टियों का डेलीगेशन लेके भी आते हैं प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए तेजस्वी को कितना स्पेस देते हैं बोलने के लिए लंबा स्पेस देते हैं बोलने के लिए तो वो तो कहते हैं कि हम एक एक मुद्दे पर जो है कास्ट सेंसस वाले मुद्दे पर जो है हम लोग सारी पार्टियां पहली बार हुई है जो एक पेज पर है तो उसमें दिए तो लेकिन वहाँ से लेकिन तीन चार महीने मतलब ये अगस्त में होता है चार महीने के पहले तक आप अगर देखेंगे बयान को स्क्रुप्टनाइज करेंगे तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर खुलकर अटैक नहीं कर रही है ये चीज़ें दिख रही है तो ये स्क्रिप्ट धीरे धीरे तैयार हो गया था आ, आ, एक दो तीन चैनल दो तीन लेवल के चैनल सेकंड लेवल का चैनल से स्टार्ट होते हुए तेजस्वी तक बात पहुंचती है शुरू में उनको लगता है कि हम सी बन सकते थे हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे फिर लालू जी इंटरवीन करते हैं कि नहीं यू हैव एज ऑन योर साइड पॉलिटिक्स में ये सब नहीं नो no नहीं कहा जाता है तो फिर वो राजी होते हैं और क्योंकि पद मिलना जरूरी है और ऑफकोर्स केस वेस चल रहा था उससे परेशान थे और इधर ये सफोकेट थे <coughs> बीजेपी की तरफ से हर बात पर बयानबाजी कभी संजय जसवाल बोल रहे हैं कभी नित्यानंद राय बोल रहे हैं और इनको लगता था कि एक गिरिराज सिंह से ये सबसे अटैक करवा रहे हैं और एक तरफ से कहते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री तो आप ही हैं आप ही का चलेगा तो इनको लगा कि एक चांस लिया जाए तो बाईस में उन्होंने लिया उसी हिसाब से बीजेपी को मैसेज देने के लिए लास्ट लास्ट तक शाह को अमित शाह को कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ललन सिंह तो ऐसे बोलते रहता है और वो आर सिंह के वो हटाने के बाद से वो ये स्क्रिप्ट तैयार होती है कि आर सिंह को हटाया गया धीरे धीरे बयानबाजी करते हैं बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और वहाँ से स्क्रिप्ट होते होते पूरा स्प्लिट तक आ जाता है बाईस तक लेकिन चार महीने से भनक लग रही थी कि ये अब कम्बूनेशन टूटेगा जी बिहार की राजनीति में अगला बड़ा क्या होने वाला है क्या इसकी भनक चिड़ियाघर में काम करने वाले एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के बयान से लग सकती है जो बताता है कि कैसे रात में पास के निर्माणाधीन मॉल से रेत आती है ट्रक के ट्रक यहाँ गिराए जाते हैं फिर एक अखबार के ऑनलाइन संस्करण में एक छद्म नाम से मुख्यमंत्री के करीबी पत्रकार की खबर छपती है फिर पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और नए सिरे से नई राजनीतिक जुगलबंदियों की पटकथा लिखी जाने लगती है यह बिहार की राजनीति है जिसके लिए सबसे श्रेयस्कर रूपक हैंडपंप का है दिखती जमीन के ऊपर चार फीट है भीतर कभी चालीस फीट होती है और कभी एक सौ चालीस फीट बिहार की और देश की राजनीति पर चर्चा चलती रहेगी संतोष जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने अंतर्दृष्टि और प्रसंग दोनों के संयुगमन से एक अच्छी किताब तैयार की मैं उम्मीद करता हूं कि सेज पब्लिकेशन से जो आपकी किताब आई है बिहार जेपी टू बीजेपी वो भी हिंदी में आए आप सब हिंदी पट्टी के वरिष्ठ पत्रकार हैं और हिंदी पढ़ने लिखने बोलने समझने वालों का आप लोगों की मेधा पर पहला अधिकार है तो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी आए और यही बात कर्पूरी ठाकुर पे जो बायोग्राफी ला रहे हैं उस पर भी लागू होती है ओके थोड़ा सा कक्षर बितस्ता और सेज सेलेक्ट दोनों से था जी और जिसका की दूसरा संस्करण अटलांटिस से आ रहा है अच्छा जी जेपी टू बीजेपी का जी। और उसी का हिंदी का बताइए उसी का हिंदी संस्करण वाणी प्रकाशन से आएगा जेपी टू बीजेपी का और कर्पूरी ठाकुर तो वाली किताब हिंदी में कर्पूरी ठाकुर किताब मैं सिर्फ हिंदी का तगादा करूंगा नहीं नहीं कर्पूरी ठाकुर की किताब पहले अंग्रेजी में आएगी उसके बाद हिंदी में आएगी लगभग तैयार है पब्लिशर्स से ढूंढने की बात चल रही है हो सकता है कि जल्दी फाइनलाइज हो जाएगा उसमें यह है कि कर्पी ठाकुर का सौमा साल होगा 24 जनवरी 2024 उस सिंबोलिज्म को हम चाहते हैं कि लेकर के उसी दे, लॉन्च डेट मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि 24 जनवरी 2024 को लॉन्च हो इसीलिए मैंने उसी हिसाब से किताब तैयार की है बहुत बहुत धन्यवाद ललन टॉप का आपका सबका चिर प्रतीक्षित था बहुत अच्छा लगा ऑफलाइन बात करके अभी तक तो हम लोग ऑनलाइन ही बात कर रहे थे जी किताब वाला का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है लालू नीतीश का बिहार कितना राज कितना काज वाणी प्रकाशन से छपी ये किताब जिसे लिखा है संतोष सिंह ने बिहार से आने वाले और कमाल के अखबार इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े ये पत्रकार दशकों का राजनीतिक अनुभव किताबों का सिलसिला चलता रहेगा आप बने रहिए ललन टॉप के साथ और अगर आपको ये किताबी चर्चा पसंद है तो सिर्फ खुद ना देखें कमेंट बॉक्स में टिप्पणियाँ दर्ज करवाने के इतर ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के दोस्तों के दफ्तरों के ग्रुप में इसका प्रचार प्रसार करें ताकि संवाद का संशय का ज्ञान के संधान का सिलसिला चलता रहे शुक्रिया